गुड आफ्टरनून एवरी वन ऑनलाइन एक बार चेक करो वॉइस वीडियो क्लियर है क्या फटाफट आज माथा दर्द कर रहा था सोए तो सोते ही रह गए फिर देखे एक बाईस हो गया अचानक से उठ के क्या करना होता है थोड़ा बहुत रेगुलर काम मुंह धोना वगैरह थैंक यू एवरी वन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हैप्पी टीचर्स डे हैप्पी टीचर्स डे के लिए आज मेरा बर्थडे नहीं है आज मेरा दोस्त का बर्थडे था हाँ आज अब नहीं रहे सर्वपल्ली जी तो उसके लिए हम लोग टीचर्स डे बना लेते हैं चलिए अरे सब हमारे दोस्त ही है <laughs> सबके सामने मत बोल फिर उधार मांगने लगेगा लोग चलो एक कौन मारवाड़ी मुखियो मुखियो कर रहे हैं तो उसमें चलिए हम लोग लास्ट क्लास एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कशन चालू किए थे और फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात ही कर रहे थे एसेट 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 का डिस्कशन हमने किया था जस्ट डेफिनेशन एक क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे थे तब तक क्लास कंप्लीट हो गया था एक बार जो लास्ट क्लास डिस्कस किया था ना वो मैं लिखवाते हुए रिवाइज करवा रहा हूं देन वील मूव अहेड इनटू एसेट्स टुडे ठीक लिखे एक बार पॉइंट वन जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये जो मैं डिस्कशन करवाने वाला हूं एसेट लाइबिलिटी इक्विटी होगा उतना बेसिक्स आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्लियर रहेगा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें पहले से मालूम होगी आपको उनको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा अगर ये बेसिक अच्छे से क्लियर रहा तो एसेट का डेफिनेशन मैंने बोला था एसेट्स आर रिसोर्सेस एसेट्स आर रिसोर्सेस जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हो कैरेक्टरिस्टिक नंबर वन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस एंटिटी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एंड नंबर टू फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू एंटिटी, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू दी एंटिटी आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू दी एंटिटी अब इस पूरे डेफिनेशन में रिसोर्सेज ओन्ड कंट्रोल्ड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ये चार चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी समझने के लिए रिसोर्स में भी बताना टैंजिबल इनटेंजिबल हम जिस चीज को अपना एसेट बोलेंगे वो टैंजिबल भी हो सकते हैं इनटैजिबल भी हो सकते हैं टेंजिबल लाइक फर्नीचर लैंड बिल्डिंग्स मशीन्स ये सब टैंजिबल एसेट हो गए स्टॉक टैंजिबल एसेट हो गए इन टैचुर इन टेन ऑफ राइट राइट जैसे पेटेंट कॉपी राइट ट्रेडमार्क वगैरह हो गए मनी फ्रॉम डेटर राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम अ डेटर यह एक इनटांचिबल ही है हम लोग ऐसा नहीं है कि अगर डेटर पैसा नहीं देगा तो उसको लेके आ जाएंगे या उसका किडनी लेके आ जाएंगे या उसकी घरवाली को लेकर आ जाएंगे <laughs> मतलब किसी को लेके नहीं आ सकते इट इज जस्ट अ राइट टू टेक मनी फ्रॉम दी डेटर क्योंकि हमने उसको कभी माल बेचा था यही बात है तो ये सारी चीजें टेंजिबल भी हो सकती है और इन टिबल भी हो सकती है प्लीज ऐसे मत बोलना सर डेटर अगर मिस्टर हर्ष है तो टेंजिबल हो गया डेटर अगर हर्ष प्राइवेट लिमिटेड है तो इन टैंजिबल हो गया ये बकवास बात है डेटर इज जस्ट अ राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन फॉर गुड्स गिवन टू हिम गुड्स सोल्ड टू हिम इन पास तो ये जो राइट टू रिसीव मनी है इट इज जस्ट अ राइट इट इज एन इन टेंजिबल इट इज नॉट अ टेंजिबल थिंग टेंजिबल में मैं फर्नीचर लैंड बिल्डिंग हो गया तुम्हारा फिर उसके बाद मशीन हो गया व्हीकल्स हो गया स्टॉक हो गया ये सारे टेंजिबल है कैश भी टेंजिबल है कैश टेंजिबल है अपने उसको देख सकते हैं छू सकते हैं सब कर सकते हैं तो कैश भी टेंजिबल है ये सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स है तो एसिड जो रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूं वो टेंजिबल भी हो सकता है इनटेंजिबल भी हो सकता है intangible मतलब जनरली आर इन फॉर्म ऑफ़ राइट्स टू एंटिटी यहां तक ठीक इसके बाद मैंने ओन्ड और कंट्रोल्ड के बारे में बात किया था ओन्ड तो सबको समझ में आता है कि सर वो एसेट हमारा है हमने ओन कर रखा है उस पर लीगल ओनरशिप लीगल हक हमारा है कंट्रोल वर्ड में दो बात बोला था तुम्हारे पास राइट है तुम एसेट को जैसे चाहो वैसे यूज करो एंड तुम दूसरे को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो फ्रॉम यूजिंग इट ये मेरे पास कंट्रोल है अगर मेरे पास कंट्रोल है तो भी अकाउंट्स में मैं एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकता हूं मेरे को लीगल ओनरशिप होने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसके बाद तीसरा वर्ड आया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब उस रिसोर्स को उस रिसोर्स से बिजनेस को फ्यूचर में कोई कैश फ्लोज आएंगे बिजनेस में यूज करके उस एसेट को हम लोग कोई दूसरी चीजें जनरेट करेंगे जिससे हम लोगों को कैश फ्लोज आएंगे नॉर्मली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की जब भी बात करते हैं ना हम लोग रोकड़े की बात करते हैं कि भैया बिजनेस में कुछ फायदा होगा फायदा मतलब ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी जैसे अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है स्टॉक ये स्टॉक से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे आएगा सर माल बेचेंगे बेचेंगे पैसा मिलेगा मान लो मेरे पास मशीन है मशीन सर इससे गुड्स बनाएंगे उन गुड्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा या ना मान लो मेरे पास ये क्लासरूम है सर क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे तो पैसा आएगा तो ये सारा का सारा ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन सम कैश इनफ्लोज इन दी बिजनेस तो ये अगर किसी एसेट किसी रिसोर्स में इतनी कैरेक्टरिस्टिक हो तो वो रिसोर्स को मैं अपना एसेट बोल सकता हूं कल मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ लिए थे जहां मैंने बोला कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी है कोई खर्चा ऐसा है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है तो भी मैं उसको अपना एसेट बना के रिकॉर्ड नहीं कर सकता जैसे एग्जाम्पल दिया था याद करना एडवर्टीजमेंट हमने एडवर्टीजमेंट कराया पाँच लाख रुपए का हमने हमने एक्सपेक्ट किया है कि इस एडवर्टीजमेंट से नेक्स्ट एक साल तक हम लोगों की सेल बीस परसेंट बढ़ जाएगी तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 20 परसेंट सेल बढ़ेगा मेरे पास इस एक्सपेक्टेशन या इस बेनिफिट का कोई कंट्रोल क्योंकि मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है मैं उसको एसेट बोल के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता या फिर मैंने स्टाफ को ट्रेनिंग दी कि भैया स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाया ताकि स्टाफ और अच्छी तरीके से काम करे बिजनेस में और हम लोग रेवेन्यू जनरेट करें बट सर स्टाफ के बेनिफिट स्टाफ का जो स्किल है उसका बेनिफिट लेने पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि अगर स्टाफ बीच में छोड़ के चला गया तो आप कुछ कर हाँ सर अगर आपने स्टाफ ट्रेनिंग देने के बाद उसको बाइंड कर दिया कि दो साल तेरे को टिकना पड़ेगा तो सर ये ट्रेनिंग का खर्चा आप दो साल में कर सकते हो क्योंकि उस चीज का बेनिफिट आपको दो साल तक मिलेगा बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग स्टाफ ट्रेनिंग के खर्चे को एसेट बोलकर दिखा नहीं सकते ये एग्जाम्पल्स याद रहने से ना हम लोग केस स्टडीज सॉल्व कर पाएंगे जो हम लोगों को आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पूछा जाएगा एक बार एक रिविजन टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था मैं तुमसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं तुम बताना इसका क्या करना चाहिए फिर रिविजन टेस्ट पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि हमने एक मशीन खरीदी है मशीन का वैल्यू है दस लाख रुपया ठीक अब मशीन बनने दिए दस लाख रुपया मशीन छह महीने बाद बन के आएगी छह महीने के अंदर अंदर ही क्या हुआ हमने अपना प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया होता है ना कभी कभी कोई चीज हम लोग पहले सोचते हैं ऐसे करेंगे बट अचानक से हम लोगों को करेंगे। अगर मैंने नया कर लिया तो जो मशीन का ऑर्डर दिया हुआ वो मशीन मेरे लिए बेकार हो जाएगा और थर्टी फर्स्ट मार्च को हमने ना डिसाइड कर लिया कि हम नया प्रोडक्शन मेथड लगाएंगे और वो मशीन जो आने वाला है वो बेकार हो जाएगा तो क्या मैं उस मशीन को एसेट बोल के दिखाऊं मान लो मैंने उस मशीन के लिए कुछ एडवांस दे के रखा है क्या मैं उसको एसेड बोल के दिखाऊं आंसर इज आंसर इज सर अगर लगता है लगता है यूज नहीं भी करोगे बट उसको बेच के कुछ पैसा आ सकता है तो उस एक्सटेंट तक आप उसको एसेड दिखा सकते हो मतलब अगर आप उससे कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हो सिर्फ यूज करके नहीं अगर बेच के भी कुछ पैसा आ सकता है मान ले मैंने ये सोचा कि भैया ये एसेट यूज तो नहीं होगा बट जिस दिन आएगा उस दिन लोहे के भाव में बेचेंगे तो लाख दो लाख रुपया उठ सकता है तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है कि मैं इसको एसेट बोल के दिखा नहीं सकता दिखा सकता हूं बट ये लाख दो लाख रुपए पर ही आएगा अगर दस लाख रुपया मैंने दे रखा है तो दस लाख रुपया मैं एसेट में दिखा नहीं सकता अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना दे आर प्योर बेसिक के क्वेश्चन सर अगर एसेट में नहीं दिखाएंगे तो फिर इनका होगा क्या खर्चा बोल के लॉस बोल के पीएल में दिखाइए आप इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आपको इनको करेंट ईयर में ही राइट ऑफ करना पड़ेगा कोई भी आउटफ्लो का दो हो सकता है काम या तो वो खर्चा बन के पीएल में जाएगा लॉस बन के पीएल में जाएगा या वो एसेट बोल के बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा जिससे हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो अगर मैंने एसेट बोल के रख लिया तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर जब यूज करेंगे खर्चा बनेगा और अगर मैंने एसेट बोल के नहीं रखा क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो मेरे को फिर उसको लॉस बोल के पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा यहां तक बात कल डिस्कस की थी वो बात क्लियर है क्या ये छोटी छोटी बातें विल हेल्प यू टू सॉल्व केस स्टडीज अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं बचपन में क्लास ट्वेल्व तक फाउंडेशन तक तुम लोग जब बैलेंस शीट बनाते थे एसेट्स को वहां पर क्लासिफाई करते थे कैसे क्लासिफाई करते थे एक बार तुम लोग अगर एक एक बैलेंस शीट का एग्जाम्पल देके बोलेगा तो भी चलेगा अरे उस पर बात करेंगे अभी झगड़ा नहीं करके थोड़ा डिस्कस करें हाँ ओके तुम वो क्लासिफिकेशन बता रहे मार्शलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सिंपल पूछ रहा था बैलेंस शीट में जो एसेट दिखाते थे क्या क्या एसेट दिखाते थे एक बार बता दो सर फिक्स्ड एसेट आता था इन्वेस्टमेंट आता था स्टॉक आता था डेटर्स आता था बिल रिसीवेबल आता था कैश बैंक बैलेंस आता था प्रीपेड एक्सपेंस अक्रूड इनकम आता था इस तरीके से दिखाते थे

जिन एसेट का बेनिफिट यूज करके आएगा एसेट को यूज करके बिजनेस में उनको क्लासिफाई करते थे एसेट एसेट जिन का बेनिफिट फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेगा इंटरेस्ट डिविडेंड कैपिटल एप्रिसिएशन उनको इन्वेस्टमेंट्स बोल के क्लासिफाई करते थे जिन एसेट को हमने होल्ड कर रखा है फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उनको स्टॉक बोल के क्लासिफाई करते थे जो एसेट मॉनिटरी एसेट्स है जिनके अगेंस्ट मेरे को पैसा मिलना है अपने किसी डेटर से अपने किसी Uh, जिसको मैंने माल बेचा उससे वो डेटर बिल रिसीवेबल बोल के क्लासिफाई करते थे और लास्ट में बोलता था कैश बैंक ये ऐसे एसेट ऐसे है जो सारे काम कर सकते हैं इनसे कोई एसेट खरीदना है एसेट खरीद लो कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो ये सारे काम के लिए फ्री है अगर तुमको कल एक फिक्सड एसेट खरीदने की इच्छा है फिक्सड एसेट खरीद लेना क्रेडिटर को चुकाना है क्रेडिटर को चुका देना लोन का रीपेमेंट करना है लोन का रीपेमेंट कर देना ये तो ऐसा एसेट है जो किसी भी चीज में यूज किया जा सकता है बचपन में हम लोग जब एसेट्स को बैलेंस शीट में सजाते थे ना हम लोग सजाते थे नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाइज बचपन में बोलता था मार्शलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट कभी फिक्स्ड एसेट पहले लिख दिया या स्टॉक पहले लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई मार्क्स क्योंकि बचपन में हम लोग जनरली बात करते थे प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप की जो बिजनेस छोटे लेवल पे किए जाते हैं जिनके स्टेक होल्डर्स लिमिटेड होते हैं बट जैसे जैसे अब हम लोग इंटर लेवल पे कंपनी की बात करेंगे ना क्योंकि कंपनी का फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से फिक्स्ड है हम लोगों को जो करना होगा कंपनी करना होगा हम लोग अपने हिसाब से एसेट्स को सजा नहीं पाएंगे मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एसेट समझने के बाद अब इन एसेट का थोड़ा क्लासिफिकेशन समझते हैं पहला क्लासिफिकेशन हो गया जो बचपन में करते थे नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया एसेट का ऑन बेसिस बेसिस ऑफ़ ऑफ़ ऑन क्या बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑन दी बेसिस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर कोई एसेट ऐसा है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे को एक साल के अंदर मिल जाएगा उनको हम लोग करेंट एसेट्स बोलेंगे जिन एसेट का बेनिफिट मेरे को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा दो साल में मिलेगा तीन साल में मिलेगा पांच साल में मिलेगा उनको हम लोग बोलेंगे नॉन एसेट ये बोलते हैं लिक्विडिटी लिक्विडिटी वाइज 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 क्लासिफिकेशन 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 क्या जहां पे हम लोग दो कैटेगरी बनाएंगे करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं सुनना जिन एसेट का बेनिफिट मेरे को ईयर के अंदर मिल जाएगा जनरली इंक्लूड्स स्टॉक क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है जितना जल्दी हो उतना जल्दी बेच के हम इसका पैसा ले आएंगे बिकेगा या नहीं बिकेगा ये श्योर नहीं है सब एक्सपेक्टेशन है अगर मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन जल्दी से जल्दी बिके या लेट से लेट बिके जल्दी से जल्दी बिके तो हम तो चाहेंगे कल बिक के नक्की हो जाए ताकि और नया माल खरीद के बेचे तो स्टॉक करेंटा एसेट डेटर्स डेटर्स सर ये वो आदमी है जिनसे पैसा लेना और जनरली सर इनका पैसा दो तीन छह महीने के अंदर ड्यू हो जाता है कोई दो पांच साल के लिए हम इनको क्रेडिट प्रोवाइड तो ये जो डेटर्स है ये डेटर्स हो गए करंट एसेट मेरे पास अगर कोई कैश बैलेंस बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है जो मेरे लिए लिक्विड है जो मैं जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं करेंट एसेट हो गया अगर कोई अक्रूड इनकम है जो मेरे को दो तीन चार महीने में रियलाइज हो जाएगा कोई प्रीपेड एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट मेरे को दो तीन महीने के अंदर मिल जाएगा ये सारे के सारे बन जाएंगे कौन से एसेट करेंट एसेट एज अगेंस्ट दिस नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले आ जाएंगे फिक्स एसेट मेरी मशीनरीज फर्नीचर लैंड बिल्डिंग जिनको मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मेरे को मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट देंगे जहां पे दो साल तीन साल पांच साल दस साल मेरे को बेनिफिट मिलेगा इनके यूज से या फिर अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं दो साल तीन साल चार साल बाद बेचूंगा अभी इमीडिएटली मेरे को बेचना जनरली इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग विच आर अगर मैं इन्वेस्टमेंट हेल्ड करता हूं फॉर ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पे खरीदना बेचना तो वो करंट एसेट हो गया बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं कि करके रखूंगा जिस दिन अच्छा भाव मिलेगा उस दिन बेचूंगा और मेरे लिए दो तीन चार साल अभी मेरे को इसको रखना अभी मेरे को इसको इमीडिएटली बेचना वो आ जाएगा नॉन करेंट में तो हम लोगों को ना करेंट नॉन करेंट वाइज भी एसेट्स को क्लासीफाई करना पड़ सकता है और कंपनी की बैलेंस शीट जब पढ़ने जाएंगे ना वहां पे आपको यही क्लासिफिकेशन दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी लिक्विडिटी वाइज वाइज क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सर सर दिस इज नेसेसरी क्यों पहले वाला जो था उससे काम नहीं चलेगा आपका मैं बोला नहीं चलेगा बोला क्यों नहीं चलेगा सर एक्सप्लेन करो पहला वाला भी तो ठीक था आप अपना नेचर वाइज एसेट को दिखा दो मान ले मेरे बैलेंस शीट में डेटर्स है डेटर्स 25 लाख रुपए के जिनमें दो डेटर ऐसे हैं जिनका अमाउंट पंद्रह लाख रुपया है जिनको मैंने बोल रखा है जब इच्छा तब पैसा दे देना क्या बोल रखा है जब इच्छा तब पैसा दे देना तुमको क्या लगता है कभी किसी को बोलोगे जब इच्छा तब पैसा दे देना तो वो कब देगा जल्दी देगा कि लेट से देगा, देगा। लेट से देगा तो अगर मैं नॉर्मल बैलेंस शीट बनाऊं प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप वाला तो उसमें तो डेटर 25 लाख एक साथ दिख जाएगा बट जब मैं आसे, लाइफ एसेट्स को क्लासिफाई करूंगा करेंट नॉन करेंट मैं बताए क्या करूंगा 25 लाख के डेटर में 15 लाख के डेटर को दिखाऊंगा नॉन और 10 लाख के डेटर को दिखाऊंगा करेंट इससे क्या फायदा होगा कोई आदमी अगर मेरे बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहा है वो ये समझ पाएगा कि भैया डेटर है तो पच्चीस लाख का बट उसमें दस लाख ही ऐसा है जिसका पैसा मेरे को तीन चार महीने में मिलेगा जिससे मैं अपनी करंट लाइबिलिटी को पेमेंट कर पाऊंगा सारा डेटर मेरा रेडिली रियलाइजेबल नहीं है आप जब रेशियोज कैलकुलेट करोगे लिक्विडिटी कैलकुलेट करोगे सॉल्वेंसी चेक करोगे आपको ये सब चीजें काम आएंगी जहां पर आपको पता चलेगा कि आपके पास करंट एसेट है या नहीं अपनी करंट लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए अगर मान लो आपने किसी को लोन दे रखा है लोन दे रखा है पचास करोड़ रुपए का और आपने उसके साथ टर्म्स कर रखा है पांच साल बाद रीपेमेंट करना कितने साल बाद पांच साल बाद अगर आप नॉर्मली लोन गिवन पांच करोड़ रुपया या पचास करोड़ रुपया दिखाओगे तो एसेट साइड में दिखेगा अगर मैं इसको प्रॉपरली क्लासिफाई कर दूंगा नॉन करेंट में तो लोगों को पता चलेगा ये एसेट तो है साथ ही साथ इसका पैसा अभी अभी नियर फ्यूचर में नहीं आएगा इसका पैसा लेट से आएगा तो जब मैं अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी लिक्विडिटी एनालाइज करूंगा तब मैं उस लोन को अपर नॉन करंट में कंसीडर करूंगा मैं करंट में उसको कंसीडर हम लोगों को यह भी तो एनालाइज करना पड़ेगा ना बिजनेस अपने कमिटमेंट्स टाइम टू टाइम मीट कर पाएगा या नहीं और वो टाइम टू टाइम मीट करने के लिए बिजनेस के पास अडिक्वेट करेंट एसेट होने चाहिए जिससे वो अपनी करेंट लाइबिलिटीज को टाइम टू टाइम पेमेंट कर दे ये चीज पहले नहीं होती थी बट जैसे यूएस में बबल्स आए डिप्रेशन आए वो बैंक्स फेल होने लग गए बिकॉज ऑफ देयर लोन्स गिवन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे जहां पे लोन दिया हुआ था प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी के दाम गिरे लोगों ने लोन चुकाना बंद कर दिया अब बैंक के पास है तो बहुत बड़ा एसेट प्रॉपर्टी का बट वो प्रॉपर्टी वाला एसेट ऐसा है जिसको बैंक अभी रियलाइज तो बैंक के डिपॉजिटर दरवाजे पर आके खड़े हैं पैसा दो पैसा दो पैसा दो बैंक बोल रहा है पैसा है नहीं प्रॉपर्टी है लेना है क्या तो बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर गया क्योंकि उनके पास कोई ऐसे एसेट ही नहीं थे जिससे वो अपने रेगुलर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सके अगर बैंक की बैलेंस शीट मेरे को यह बताने में सक्षम नहीं है कि हम अपनी रेगुलर लाइबिलिटीज को पे कर पाएंगे या नहीं तो बैंक की बैलेंस शीट क्या है बेकार है इसीलिए हमारा शेड्यूल थ्री अब बनाया गया जो बोला कि जब भी आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में दिखाओगे ना यू विल हैव टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी दैट इज एंड नॉन है तो बचपन में तुमने क्लासिफिकेशन सीखा था क्या ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बेनिफिट अब हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ लिक्विडिटी जहां पे हम लोग करेंट एंड नॉन करेंट की बात करेंगे यानी हम लोग एसेट्स को नेचर वाइज तो क्लासिफाई करेंगे ही साथ ही साथ हम लोगों को यह भी बताना पड़ेगा इनका पैसा मेरे को जल्दी मिल जाएगा कि इनका पैसा मेरे को लेट से मिलेगा ये बताने से मेरा रियल एसेट का पोजीशन क्या है बैलेंस शीट देखकर आपको समझ में आएगा और आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे एज अगेंस्ट नेचर वाइज जैसे क्लासिफाई करते थे उससे इसीलिए हम लोग ये नॉन करंट करंट का क्लासिफिकेशन शेड्यूल में सीखेंगे और एक क्लासिफिकेशन है हम लोग सीखेंगे आगे मॉनिटरी एसेट्स एंड नॉन मॉनिटरी एसेट क्या एसेट्स मॉनिटरी एसेट्स एंड नॉन मॉनिटरी एसेट्स मॉनिटरी एसेट में एग्जाम्पल देता हूं समझ में आने लग जाएगा कैश बैंक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल अक्रूड इनकम्स ये सब मॉनिटरी एसेट्स है लोन्स गिवेन मॉनिटरी एसेट मॉनिटरी एसेट मतलब ऐसे एसेट जो या तो कैश बैंक बैलेंस है या फिर ऐसे एसेट है जिनको मेरे को फ्यूचर में रिसीव करना इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द अमाउंट इज फिक्स तो अगर मैं डेटर्स की बात करूं बताओ डेटर कैसा एसेट है इसका फ्यूचर में इसका फ्यूचर में जो रियलाइजेशन होगा वो कैसे होगा कैश में रियलाइजेशन होगा और इसका अमाउंट फिक्स्ड है फिक्सर मॉनिटरी रखा है तो इसका पैसा फ्यूचर में कैसे आएगा रियलाइजेशन कैश में होगा और इसका अमाउंट भी फिक्सड है अगर मैंने किसी को लोन दे रखा है तो इसका फ्यूचर में रियलाइजेशन कैसे होगा कैश में और अमाउंट भी फिक्सड है ये सब एसेट्स को हम लोग बोलते हैं मॉनिटरी एसेट्स कैश में कन्वर्ट में होकर आपके पास आएगा और नॉन मॉनिटरी एसेट ऑन दर एग्जाम्पल फ्यूचर में डायरेक्टली like कैश में कन्वर्ट नहीं होगा इसके यूज से पहले क्या बनेगा गुड्स बनेगा वो गुड्स बिकेगा तब क्या आएगा कैश आएगा गुड्स से भी डेटर आएगा डेटर से कैश आएगा तो मतलब यह ऐसा एसेट है विच विल नॉट बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी ये ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम लोग मनी के टर्म्स में डायरेक्टली रियलाइज नहीं करेंगे इनसे पहले गुड्स बनाएंगे फिर गुड्स को बेचेंगे गुड्स बेचने से डेटर क्रिएट होगा फिर उस डेटर से हमको क्या मिलेगा पैसा मिलेगा ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केसेस लाइक जब आप ये क्लासिफिकेशन करना चाहते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा मेरा एक ब्रांच है वो ब्रांच है यूएसए में अगर मेरा यूएसए में ब्रांच है तो वो सारा ट्रांजैक्शन किस में कर रहा है डॉलर्स में कर रहा है जब ईयर एंड पे मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरे को उस डॉलर को रूपी में कन्वर्ट करना होगा अगर कोई मॉनिटरी एसेट है जिसका रियलाइजेशन कैश में होने वाला है वो मॉनिटरी एसेट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं आज के दिन जो क्लोजिंग रेट है उस पर क्यों क्योंकि ये मॉनिटरी एसेट कैश के रूप में आएंगे और इस कैश को मेरे को कन्वर्ट करा के रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जो रेट का चेंज होगा वो रेट का चेंज मेरे एसेट की वैल्यू को इंपैक्ट करेगा अगर मेरे पास डेटर है बीस हजार डॉलर के और यूएस डॉलर का रेट चेंज कर रहा है तो क्या इससे मेरे को इंपैक्ट होगा बिल्कुल होगा बट अगर मेरे पास फिक्स एसेट पड़ा है तो डॉलर कुछ भी हो यार फिक्स एसेट से पहले तो क्या बनेगा गुड्स बनेगा गुड्स बनके बिकेगा ना डायरेक्टली तो फिक्स्ड एसेट कैश में कन्वर्ट होने वाला नहीं है तो हम लोग जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे अगर कोई ऐसे एसेट एसे है जो डिनोमिनेटेड इन अदर करेंसी हमको उसको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ता है उस समय हमको ध्यान रखना पड़ता है कौन से एसेट मॉनिटरी है मॉनिटरी एसेट होंगे तो उनके डॉलर के फ्लक्चुएशन मेरे को इफेक्ट करेंगे नॉन मॉनिटरी है तो उनका कोई फ्लक्चुएशन मेरे को इफेक्ट प्लस नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी आपको हेल्प करता है टू जज द नेचर ऑफ एसेट्स

इट इन दी फॉर्म ऑफ राइट टू रिसीव मनी इसको नॉर्मली इनटेंजिबल बोल सकते हैं बट वो जो इन टीबलबिबल वो इन टेंजिबल फिक्स एसेट में नहीं आएगा डेटर क्यों नहीं आएगा क्योंकि वो मॉनिटरी है जबकि इन टेंजिबल एसेट क्या होता है नॉन मॉ होता है जैसे अगर मेरे पास पेटेंट है तो पेटेंट का बेनिफिट में कैसे लूंगा सर उस पेटेंट को यूज करके हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उन गुड्स प्रोड्यूस को सेल करेंगे सेल करेंगे तब पैसा आएगा तो पेटेंट डायरेक्टली कैश में रियलाइज नहीं होगा पेटेंट से तो मैं बिजनेस करूंगा जिससे मेरे को बेनिफिट आने वाला है तो ये क्लासिफिकेशन भी एक क्लासिफिकेशन हो सकता है जहां पे एसेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ फ्यूचर में उसका बेनिफिट कैसा आएगा क्या वो डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट होगा या कैश में कन्वर्ट नहीं होगा डेटर बिल रिसीवेबल कैश बैंक अक्रूव इनकम लोन गिवेन ये ऐसे एसेट है जो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होकर आएंगे जिनका वैल्यू फिक्स है यह सब मॉनिटरी बादन मॉनिटरी क्वेश्चन सर मान लो हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी के शेयर में अगर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सर यह मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी डेफिनेशन में डालो क्या इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कैश में रियलाइज होगा जनरली इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो कैश में रियलाइज होगा और इन्वेस्टमेंट का करेंगे क्या बट उसका अमाउंट फिक्स्ड तो अगर कैश में रियलाइज होगा बट अमाउंट फिक्स नहीं है तो मैं मॉनिटरी नहीं बोल सकता ये अभी भी क्या है नॉन मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी एसेट थोड़े रिस्की होते हैं मॉनिटरी एसेट थोड़े कम रिस्की होते हैं क्योंकि उनसे क्या बेनिफिट आने वाला है वो मेरे को सर्टेनली पहले से पता रहता है अगर मैंने कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया डिवेंचर और मैंने सोच रखा है जिस दिन कंपनी फ्यूचर में पैसा देगी उसी दिन पैसा लेंगे हम बीच में मार्केट में नहीं बेचेंगे तो सर मॉनिटर ही हो जाएगा क्योंकि सर ये डिवेंचर आप फ्यूचर में कंपनी से कैश में रिकवर करोगे और वो कैश का अमाउंट आज ही पता है क्योंकि जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है वो बता देती है हम फ्यूचर में कितने रुपए में रिडीम करेंगे बट मान लो सर हमने डिसाइड कर रखा है हम लोग ना मार्केट में बेच के पैसा लाएंगे हम लोग इसको पांच साल तक होल्ड नहीं करेंगे साल भर में हम लोग मार्केट में बेच देंगे तो फिर वो नॉन मॉनिटरी हो जाएगा क्योंकि उससे कितना रुपया आना है किसी को पता ये, monetary, -monetary का ये लेस रिस्की? हमको पता है उनका बेनिफिट कितना होने वाला है नॉन मॉनिटरी एसेट आर थोड़ा सा रिस्की क्योंकि उनका बेनिफिट में फ्लक्चुएट जैसे मेरे गोडाउन में स्टॉक पड़ा है ये स्टॉक बिकेगा बिकेगा तो कैश आएगा मानता हूं बट किस दाम में बिकेगा वो पता है तो जब मैं स्टॉक की वैल्यूएशन करता हूं मैं प्रूडेंट रहता हूं प्रूडेंट रहकर वैल्यू करता हूं कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर क्योंकि मेरे को डर लगता है कि भैया ये स्टॉक फ्यूचर में बिक के घर पे प्रॉफिट ला पाएगा भी या नहीं हो सकता है अभी दाम चल रहा है एक सौ पांच रुपया बट फ्यूचर में बिके नाइनटी एट रुपीज में तो अगर मेरे को ऐसा कोई आशंका है तो मेरे को वैल्यू करते समय उसको कंसीडर कर लेना चाहिए क्योंकि नॉन मॉनेटरी एसेट है तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होगा क्योंकि उसका बेनिफिट फिक्स्ड नहीं है फिक्स्ड एसेट हो गया इन्वेंट्री हो गया ये सारे एसेट का जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना हम लोगों को थोड़ा प्रूडेंस रह के वैल्यूएट वैल्यू करना पड़ता है बिकॉज हो सकता है जितना बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में उतना बेनिफिट नहीं आए हम लोग फिक्स्ड एसेट को जब वैल्यू करते हैं कॉस्ट कॉस्ट से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं मान ले सौ रुपया में खरीदा इस साल दस का डेप्रिसिएशन कितने पे वैल्यू होगा बैलेंस शीट में नब्बे रुपए पर बट मान ले ईयर एंड पे जाके मेरे को लग रहा है इसमें सत्तर से ज्यादा बेनिफिट आना नहीं है है बुक वैल्यू नब्बे बट मेरे को लग रहा है सत्तर से ज्यादा बेनिफिट नहीं आएगा तो क्या मेरे को नब्बे पर दिखाना चाहिए नहीं सर आप इसका बेनिफिट एस्टिमेट कर रहे हो सेवेंटी तो आपको सेवेंटी पर ही दिखाना चाहिए जो ट्वेंटी एक्स्ट्रा है उसको लॉस बोल के राइट ऑफ कर दीजिए उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करने का दरकार मॉनिटरी एसेट में इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन दिस रिस्क बट नॉन मॉनिटरी एसेट में इट इज डिफिकल्ट इसीलिए वहां पर प्रूडेंस का यूज होना ज्यादा जरूरी है जब हम लोग एक एक एसेट के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना ए एस टू बचपन में इन्वेंट्री सीखा इन्वेंट्री इन्वेंट्री वाला ए एस हमारा फर्स्ट ए एस होगा क्योंकि तुमने इन्वेंट्री ऑलरेडी पढ़ रखा है इन्वेंट्री को जब वैल्यू करते हैं बचपन में एक फॉर्मूला सिखाया था कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर सौ रुपया में खरीदा सर ईयर एंड पे मेरे पास सौ रुपया वाला इन्वेंट्री बाकी है मेरे को लग रहा है सर ये नेक्स्ट ईयर बेच के नाइनटी फाइव घर पे लेके आएगा नाइनटी फाइव घर पे लेके आएगा तो I'll record it at, I'll record नहीं नहीं 95 95 और और जो 100 में पांच का डिफरेंस आया वो दिखाऊंगा दिखाऊंगा क्यों क्योंकि सर ये benefit मेरे को expected नहीं है मैंने खर्चा किया है बट मेरे को लगता है पांच रुपए का बेनिफिट मेरे को आने वाला ये तब ये क्यों करना पड़ा बिकॉज ये नॉन मॉनिटरी एसेट है इसका बेनिफिट फिक्सड नहीं है तो मैंने तीन क्लासिफिकेशन तुमको दिए पहला क्लासिफिकेशन दिया नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो बचपन में तुम जानते थे पहले से दूसरा क्लासिफिकेशन दिया करेंट तीसरा क्लासिफिकेशन दिया मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी सुन अभी मैं ना इनके डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा तुमको क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये सारी चीजें वापस घूम घूम कर आएंगी जब आएंगी तब प्रॉपरली डेफिनेशन लिखाएंगे अभी सिर्फ समझते हुए चलो कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं जब पढ़े तो ऐसा ना लगे कुछ नया आया अगर एक बार समझ में आ गया तो जब पढ़ेंगे ना उससे में एक घंटा करना है नॉन मॉनिट्री मॉनिट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन ट्वेंटी सिक्स में आएगा जहां पे मेरे को एक घंटा अलग से डिस्कशन करना है क्योंकि वहां डिस्कशन करना है इसीलिए मैं अभी लिखवाने का काम नहीं कर रहा हूं अभी मैं सिर्फ समझा दिया कि एसेट को हम लोग इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप में कौन सा क्लासिफिकेशन चलता था बैलेंस शीट में नेचर वाइज नेचर वाइज कंपनी में कौन सा चलेगा लिक्विडिटी वाइज करेंट नॉन करेंट फिर उसके अंदर नेचर मतलब यहां पे डबल क्लासिफिकेशन होगा पहले करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन उसके अंदर नेचर वाइज क्लासिफिकेशन वो नेचर वाइज तुमको एसेट दिखाना होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना इनटेंजिबल एसेट कितना इन्वेस्टमेंट्स कितना ट्रेड रिसीवेबल कितना कैश एंड कैश इकलेंट कितना इन्वेंट्री कितना यह नेचर वाइज भी दिखाना होगा बट वाइज करने से पहले तुमको दो क्लासिफिकेशन करना होगा करेंट एंड नॉन करेंट

नहीं बट वो वो क्या अल्टीमेट बेनिफिट है उसका और कोई बेनिफिट नहीं तुम छठे जन को नहीं दे पाओगे सातवें को नहीं दे पाओगे आठवें को नहीं दे पाओगे तो क्या ये बेनिफिट यहां पे खत्म हो गया कि इसका बेनिफिट कुछ और भी हो सकता है तो ये जो तुम बोले ये ये ऐसा नहीं है फिक्स्ड अमाउंट है तुमने पांच जन को दे रखा है मैं अगर दस जन को दे दू जैसे डोमिनोज का फ्रेंचाइजी राइट जुबिलेंट फ्रूट जुबिलेंट फूड लिमिटेड जानते हो अभी बहुत ही खराब परफॉर्म किया है कुछ दिनों में कोविड से पहले के पीरियड में ये जुबिलेंट फूड लिमिटेड एक ऐसा कंपनी था जो शेयर में हाथ लगाएगा वो पैसा ही पैसा कमाएगा इंडिया के जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स है इंडिया का जितना भी बड़ा डोमिनोज वगैरह जैसा है वो वो इसके पास राइट्स है इंडिया में फ्रेंचाइजी देने का अब ये जुबिलेंट फूड लिमिटेड अगर डोमिनोज का फ्रेंचाइजी बांटेगा तो वो फ्रेंचाइजी बांट के पैसा कमाता है बट वो फ्रेंचाइजी नॉन मॉनिटरी एसेट है दो रीजन बोल रहा हूं पहला ऐसा थोड़ी है जितने को बांटा उतने को ही बांट सकता हो तो और भी बांट सकता है नंबर टू बहुत रिस्की है आज तेरे को मिल रहा है पांच करोड़ रुपया अगर मान ले उसी के टक्कर में कोई और आ गया तो हो सकता है डोमिनोस का फ्रेंचाइजी करोड़ रुपया में ही बिके इसका लाइफ तो दस साल पंद्रह साल बीस साल है अब बीस साल के लाइफ में क्या चेंजेस होगा वो किसी को पता इसीलिए मैं बोल रहा हूं देर इज अस मैटर ऑफ रिस्क देर इज दिस इज सब्जेक्ट टू रिस्क आज लग रहा है पैसा आ जाएगा बट फ्यूचर में कितना आएगा किसी को पता नहीं है इनको नॉन मॉनिटरी बोलते हैं वहीं डेटर्स में देख डेटर्स हमने पचास हजार का माल बेचा तो कॉन्ट्रेक्चुअली फिक्स हजार अब वो तीन महीने में दे छह महीने में दे वो देगा कितना पचास हजार बिल्कुल हो सकता है बट क्या वो इंटरेस्ट भी पहले से फिक्स है पहले से फिक्स है ना कि हमको इतना मिलेगा बिल्कुल क्या बिल्डिंग का एक ही यूज है हम लोग कभी भी कभी भी बिजनेस को देखते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं तो सिर्फ करंट पोजीशन को नहीं देखते आगे के फ्यूचर बेनिफिट्स को भी देखना पड़ता है टू मेजर दी एसेट हम लोग बिल्डिंग को आज रेंट पर दे रहे हैं कल इस जगह मान ले मेरे कारण नहीं ये लोकैलिटी में ऐसा कुछ हो गया कि यहां पर अब बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता बोलता बच्चा सारा बोल रहा है हम लोग पार्क स्ट्रीट में पढ़ेंगे बोलेगा कि हमको यहां पे पढ़ना ही नहीं हमको स्ट्रीट में हर चीज का समय होता है तो क्या तुम ओवर दी लाइफ ऑफ बिल्डिंग हर साल तुम यही एक्सपेक्ट करोगे इतना ही आएगा नहीं वो टाइम टू टाइम वैल्यू विल चेंज टाइम टाइम टू द रियलाइजेशन विल चेंज एंड दैट फॉर दैट रीजन हम लोग बोलते हैं ये एसेट रिस्की है रिस्की मतलब इन द सेंस बिल्कुल हो सकता है एक सेकेंड कोई भी एसेट से लॉस तो हो ही सकता है वो तो किसी एसेट में भी अब तेरे पास कैश है कैश चोरी भी तो हो सकता है वो वो रिस्क अलग चीज अलग टाइप का रिस्क हो गया बट ये इनहेरेंट रिस्क है बिल्डिंग में कि जो आज तू कमा रहा है ये मत सोच कि दस साल तक तू उतना ही कमाएगा हो सकता है कि पांच साल बाद इससे कुछ कमाई ही सेम फॉर मशीन मैं आज प्रोडक्ट बना रहा हूं कुछ कमा रहा हूं दो साल मेरा मशीन का लाइफ पांच साल है मान ले दो साल में साला प्रोडक्ट ही बंद हो गया तो अगर प्रोडक्ट ही बंद हो गया तो मशीन से जो बेनिफिट एक्सपेक्ट करता था आएगा कि नहीं आएगा नहीं आएगा कहीं कॉन्ट्रेक्चुअली फिक्स नहीं है मैंने किसी के ऊपर ऐसे तलवार नहीं रखा रखा कि भैया तेरे को ये देना ही पड़ेगा नॉन मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी अब बॉन्ड्स वगैरह तू देख तू क्या करना चाहता है क्या तू इसको मार्केट में बेचना चाहता है इन द दियर फ्यूचर या तू इसको रख के रखना चाहता है और पैसा सीधा ईश्यूअर से लेगा अगर पैसा इशूअर से लेगा तो मॉनिटरी पैसा बीच में मार्केट में बेचेगा तो नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी बैंक का फिक्स डिपॉजिट मॉनिटरी अभी पहले ये देखो तुम्हारे लिए वो ब्रांड एसेट है भी या नहीं पहले तो ये देखना पड़ेगा अगर मैंने ब्रांड खरीद लिया है और वो ब्रांड से मैं यूज करके माल बेच रहा हूं ये नॉन मॉनिटरी है क्योंकि आज बिक रहा है कल बिकेगा या नहीं बिकेगा उसका कोई सर्टेनिटी देर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट की ही आपको इतना रुपया फिक्स हर साल देगा ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट उस केस में नहीं है तो वो नॉन मॉनिटरी एसेट है पहले बता एसेट के तीन क्लासिफिकेशन क्लियर है थोड़ा सा ना फाउंडेशन से इंटर में लेवल एलिवेट करने की सोचनी है ये जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना इन वर्ड्स पर थोड़ा सा कमांड लेके आना है आगे जब करेंगे तो और आएगा अभी भी ये वर्ड्स दिमाग में रखो क्योंकि ये सारी चीजें अब तुमको देखने मिलेगी लाइफ में ये सब चीज अब तुमको रेगुलर बेसिस पे देखना पड़ेगा तो इन सब वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए तो मैं अगर पॉइंट बी लिखूं पॉइंट टू कुछ बच्चे बात कर रहे हैं बीच बीच में बात मत कर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एक हो गया नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाइज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को शॉर्ट में मैं एफ लिख रहा हूं एफई बी और छोटा एस बेनिफिट्स इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे फिक्स्ड द इनका बेनिफिट कैसे आता है बिजनेस में यूज करके इन्वेस्टमेंट्स इनका बेनिफिट कैसे आता है इन फॉर्म ऑफ रिटर्न्स रिटर्न्स लाइक इंटरेस्ट डिविडेंड बेच के जरूरी नहीं है हम लोग इंटरेस्ट कमाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है हां रिटर्न्स कमाना है अब वो रिटर्न्स में इंटरेस्ट आता है डिविडेंड आता है माल बेच के कैपिटल एप्रिसिएशन भी आता है सब आता है स्टॉक बोलो कैसे आएगा बेनिफिट सेल करके फिर उसके बाद डेटर्स रियलाइजेशन इन कैश कैश एंड बैंक लिक्विड है बट इससे क्या कर सकते हैं परचेजिंग अदर एसेट्स परचेजिंग अदर एसेट्स रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ये हर चीज में यूज किया जा सकता है इसको मोस्ट लिक्विड एसेट माना जाता है रेडीली अवेलेबल है तेरे को अभी जो करना है वो कर सकता है इससे तेरे पास छह हजार रुपया है तो तू फ्लाइट की टिकट भी कटा सकता है ट्रेन में भी जा सकता है कलकत्ता भी घूम सकता है बस 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 राम बस बस राम बस <गाँगा> एफईबी के साथ एस लिखा हुआ है छोटू परचेजिंग अदर एसेट्स और रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज देखो एक बच्चे का क्वेश्चन आया है आप लोग आंसर करना सर मान लो एक एसेट है मेरे पास इन्वेंट्री का एग्जाम्पल लेता हूं कॉस्ट था सौ रुपया थर्टी फर्स्ट मार्च बैलेंस शीट डेट पर मैंने इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेट किया मेरे को लगा एनआरवी 98 एट है तो आप इसको किस वैल्यू पे मेजर करोगे सर अगर प्रूडेंट ट्रैक रह के बात करें तो 98 पे मेजर करना चाहिए क्योंकि मेरे को बेनिफिट ही 98 का आएगा हम हमने कल बात की थी कि हम लोग जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे हम हमेशा प्रूडेंट रहेंगे रिलायबिलिटी के लिए प्रूडेंट जरूरी है अब मान लो सर क्या हुआ ये स्टॉक मेरे पास नेक्स्ट ईयर भी रह गया माल बिका नहीं बट सर नेक्स्ट ईयर एंड में वैल्यू ना इसका एनआरवी एस्टिमेट किया नाइनटी हो गया सौ से कितना पे लेके आए थे नाइनटी एट इन एंटिसिपेशन की 98 आएगा रियलाइज होगा नेक्स्ट ईयर एंड में उसका एनआरवी बढ़ के 99 हो गया तो बच्चा पूछ रहा है सर क्या करना चाहिए mm -hmm. सर 99 पर वैल्यू कीजिए लॉस को रिवर्स कर दीजिए कोई प्रॉब्लम बट मैं 100 से ऊपर जाने नहीं दूंगा मैं 100 से ऊपर जाने नहीं दूंगा क्योंकि कॉस्ट तो 100 था हमारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर सौ रुपए से ऊपर मैं इन्वेंट्री दिखाने नहीं दूंगा क्योंकि तेरे पॉकेट से इन्वेंट्री को अक्वायर करने के लिए सौ लगा था बट अगर सौ से तुमने नीचे वैल्यू किया नाइनटी एट नेक्स्ट इनका वैल्यून हो गया तो मैं बोलूंगा जो लास्ट ईयर दो का लॉस एंटिसिपेट किए थे ना उसमें एक का लॉस कम कर दो एक रुपया का रिवर्स कर दो लॉस ताकि हमारा इन्वेंट्री सही वैल्यू पर आ सके आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है इन दी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज पच्चीस सौ में खरीदा हुआ था मान लो ईयर एंड पे मार्केट प्राइस गिर के चौबीस सौ हो गया किस पर वैल्यू करना चाहिए चौबीस सौ प्रूडेंट ट्रेकर चौबीस सौ पे वैल्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर भी वो आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है मार्केट प्राइस बढ़ छब्बीस सौ हो गया तो सर हम लोग जो सौ का लॉस लिखे थे ना वो लॉस रिवर्स कर देंगे क्योंकि अब वो लॉस होने वाला नहीं है तो अगर कभी कोई लॉस राइट ऑफ किया था और तुमको फ्यूचर में जाके लग रहा है नहीं सर बेनिफिट आ जाएगा तो वो लॉस को रिवर्स किया जा सकता है ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है क्योंकि हमको ना ट्रू एंड फेयर व्यू देना है अब ये बोल बोलना सर ये तो प्रूडेंस के अगेंस्ट हो गया ना आप तो प्रॉफिट दिखा दिए प्रॉफिट नहीं दिखाया पुराना जो गलत लॉस लिखा था उसको खत्म किया मैंने कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया मैंने तो पच्चीस सौ पे दिखाया ना छब्बीस सौ पे दिखाता ना तो तुम मेरा उंगली पकड़ लेना कि सर गलत बात है बट मैंने तो उसका गलत जो लास्ट ईयर लॉस लिखा था सौ रुपया उसी लॉस को रिवर्स किया है कि भाई वो गलत इंफॉर्मेशन चली गई थी ऐसा कुछ अब नहीं है तो वो लॉस रिवर्स किया जा सकता है इस पर कोई टेंशन नहीं ए एस टू भी अलाउ करेगा ए एस टेन भी अलाउ करेगा एस थर्टीन भी अलाउ करेगा सर ए एस ए एस बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है टू स्टैंड फॉर इन्वेंट्रीज टेन स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स जिसको हम लोग मशीन वशीन बोलते हैं और थर्टीन स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट ये सारे एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अलाउ करते हैं कि पुराने लिखे गए लॉस को आप रिवर्स कर सकते हो क्लियर है क्या बात बोल भाई वापस बोल एक बार लॉस हो गया हम्म एसेट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पे ही आएगा हाँ उसको मेजर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पे करके बैलेंस शीट में दिखा दूंगा मतलब इस साल मैंने एंट्री किया होगा सुनना एक बार एंट्री बताना इन्वेस्टमेंट खरीदा था पच्चीस सो में पच्चीस सो बोल रहा हूँ सॉरी थोड़ा हिंदी का आदत है एक बच्चे ने मेरे को कंप्लेन किया था सर आप फिगर्स इंग्लिश में बोलना ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एक बच्चे ने बोला सर वी आर फ्रॉम नेपाल हमको पच्चीस सो नहीं समझ में आता है सो आई एम वेरी सॉरी अरे वो आदत वैसा है और वो नेपाल का बात नहीं है यहां हमारी दीदियों को भी नहीं समझ में आता है कौन कौन सी सच सच बताना जैसे मैं बोला पिचासी वट इज पिचासी हम दीदी लोग बोला तुम लोग लड़का लोग तो छोड़ता नहीं है कोई चांस तुम बोला सबसे पहले तो बहुत जन को प्रॉब्लम होता आई वॉन्ट आई ट्राई नॉट टू यूज हिंदी ठीक है वेन वेन आई टॉक इन नंबर्स

तो ये इन्वेस्टमेंट एसेट होने के कारण मेरी बैलेंस शीट में आएगा बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आएगा सर जो 2500 पे रिकॉर्ड किया था उसी पे दिखा लीजिए कुछ सोचने का दरकार बट ईयर एंड पे रिलायंस के शेयर का प्राइस हो गया 2400 तो प्रूडेंस प्रूडेंस के हिसाब से मेरे को उस 2500 को 2400 पर लाना होगा अगर मैं एसेट की वैल्यू कम करूंगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करना होगा हंड्रेड डेबिट क्या होगा पीएल तो मैं एक जर्नल एंट्री पास करूंगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन तो उसको रिवर्स करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल और इससे मेरा रिवर्स करते ही मेरा इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे आ गया 2500 बट मैं 2600 पर नहीं ले जा पाऊंगा ये मेरे कॉस्ट प्रिंसिपल के अगेंस्ट है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कोई भी एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा उससे ज्यादा वैल्यू पर नहीं होगा और अगर करते भी हो तो उसका प्रॉफिट पीएल में नहीं जा सकता एक एसेट के लिए ऐसा अलाउड है फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट्स हम लोग एसेट लाइक लैंड बिल्डिंग के लिए अपवर्ड रीवैल्युएशन कर सकते हैं बट वो अपवर्ड रीवैल्युएशन हो के भी जो प्रॉफिट आएगा ना दैट वोंट गो टू पीएल बचपन में सिखाया था अगर फिक्स्ड एसेट को अपवर्ड री कर रहे हो द प्रॉफिट विल गो टू रीवैल रिजर्व वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखा नहीं सकते दैट इज एन अनियलाइज प्रॉफिट क्या प्रॉफिट अनरियलाइज ऐसे तो प्रूडेंस अगेंस्ट होता है बट बोलते हैं कि एसेट को अगर सही वैल्यू पे दिखाना है तो मेरे को उसको प्रॉपरली रीवैल्यू करना पड़ेगा ये सिर्फ फिक्स्ड एसेट में अलाउड है इन्वेस्टमेंट्स में अलाउड नहीं है इन्वेंट्री में अलाउड नहीं है इनटेंजिबल एसेट्स में अलाउड नहीं है ये सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में अलाउड है क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कुछ कुछ एसेट्स ऐसे हैं लाइक बिल्डिंग लैंड एक्सेट्रा जिनमें अपवर्ड वैल्यू बढ़ने के चांसेस होते हैं और उनको अगर सही वैल्यू पे दिखाना है तो मेरे को उनको रियल वैल्यू पे लाने के लिए वो रीवैल्यूएशन करना पड़ता है हम लोग ना इन्वेस्टमेंट के केस में वो काम नहीं करते हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस के अगेंस्ट है क्योंकि वो वो इन्वेस्टमेंट वाला बोलता है प्रॉफिट को बुक करना पीएल में मैं पीएल में प्रॉफिट बुक करने नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट अभी तक कमाया 2500 से 2600 हो जाना डज नॉट मीन यू हैव अर्न प्रॉफिट लोग शेयर मार्केट में नुकसान क्यों करते हैं जब शेयर का भाव बढ़ता है तो मनी मन खुश होते हैं सौ का प्रॉफिट दो सौ का प्रॉफिट पांच सौ का प्रॉफिट बेचते हैं नहीं रुक जा और बढ़ेगा रुक जा और बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आता है पता नहीं अचानक से वो चौबीस सौ बाईस सौ पर इक्कीस सौ पर दो हजार पर आ जाता है तो भी वो लोग ठीक है कोई बात नहीं फिर बढ़ेगा चिंता मत कर वो बाईस से अठारह हो गया अरे अभी भी बढ़ेगा चिंता मत कर वो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वो लालच को मन में रख के किसी चीज को लेट गो करना शेयर मार्केट में तुमको खड़ा रख सकता है कि अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 परसेंट है और कोई शेयर 20 परसेंट से बढ़ गया है तो उसको छोड़ना ही अच्छा है क्योंकि आज तो बढ़ गया कल वापस आ गया अपनी औकात पे तो मुश्किल हो जाएगा ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ लोग इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में बढ़ता है ना दाम बेचते नहीं है बोलते अभी क्या हुआ है अभी देख और होगा और जब होता है ऐसा का ऐसा खेला होता है पता नहीं चलता क्यों मान ले हम सात दिन के लिए राजस्थान चले गए घूमने के लिए अब हमने शेयर मार्केट उस समय देखा नहीं और वो सात दिन में सारा हलचल होकर वो शेयर का दाम आ गया 1900 से 1200 तो मेरा तो जितना भी प्रॉफिट हमारा ऊपर गया था वो सारा खत्म हो गया ये प्रॉफिट जो होता है इसको हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते क्या बोलते हैं जो इंसान अनरियलाइज और रियलाइज में फर्क नहीं करेगा वो कभी भी मार्केट्स में कमा नहीं पाएगा हम लोग बोलते हैं a bird in hand is better than two or four or five in the bush अरे रास्ते में जितना उड़ रहा है उड़ने दे मेरे पास जो है वो बेस्ट है तुम बेच के पैसा घर पे ले आए ना तब जितना प्रॉफिट है तू खुश हो जा बट अगर बेचा नहीं है तो वो ख्याली पुलाव मत बका मत बना 200 का प्रॉफिट है 400 का प्रॉफिट है देख भाई रिलायंस खरीदे थे बाईस सो अभी पच्चीस सो चल रहा है मैं बोलता हूं हाँ चल रहा है बहुत अच्छा है बस बेच देना बोला अभी कहा यार अट्ठाईस सौ होगा हो वो अट्ठाईस का एंटीसिपेशन सालों तक पूरा नहीं होता और लास्ट में दो में बेचना पड़ता है और वो लॉस काटने का भी ना जिगरा नहीं होता है सबका लॉस में माल बेच देना ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए शेयर मार्केट में या बहुत बड़ा पैसा चाहिए कि ठीक है चल दो पांच लाख खो दिए खो दिए लॉस काटना सबके बस का बात नहीं है इसीलिए लोग मार्केट में ना मार्केट में कमा नहीं पाते नहीं कमा पाते बहुत लोग आपको अगर दिखते हैं, दस आदमी सक्सेसफुल है मार्केट में तो आपने उन हजारों को नहीं देखा जिन्होंने सब खो दिया मार्केट्स में हम लोग को वही स्टोरी अच्छी लगती है जो स्टोरी बिकती है हैप्पी एंडिंग्स वाली भाई देखा भाई राकेश झुंझुनवाला भाई पांच लाख से पांच हजार करोड़ का मालिक हो गया है भाई शेयर मार्केट से अच्छा कुछ नहीं है राकेश झुंझुनवाला वो वही थे तुम और हम सब हो वैसा नहीं हो सकता उसके लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेला है वो हम लोग सोच नहीं सकते जिस टाइम वो लोग मार्केट में थे ना मार्केट में ऐसे ऐसे थे जो किसी को भी कैसे भी खा सकते हैं तो वो सब टाइम में अगर वो आदमी सीखा है मतलब वो आदमी में दम तो है भाई जो टिक गया उस टाइम में उस आदमी में दम है हम लोग के पापा भी उस समय मार्केट वार्केट में करते थे एक बार हजार दो हजार रुपया का नुकसान होता था छोड़ के जाना पड़ता था नहीं करेंगे भाई वो सोगन हम लोग बोलते हैं सोगन लेना पड़ता है सोगन मतलब अब ये काम हम वो दादाजी बुलाते थे इधर कितना रुपया गया बोला हजार बोला मतलब है, है फिर पापा पैसा कमाएगा है। जुआ, है जुआ नहीं खेलते तो हम लोग का शेयर मार्केट ही जुआ का तलब पूरा कर देता है हाँ रियली थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहता है लाइफ दो हजार हो गया भाई हाँ? सेवन ऑफ सेवन डाउन छोटे अमाउंट्स में करते हैं भाई दस रुपया बीस रुपया सौ रुपया दो सौ रुपया चलता है दो हजार रुपया बोलेगा हम नहीं लगा पाएगा नहीं लगाने देता है। बहुत ऐसा जगह हावड़ा है ना अपना हावड़ा में फनफेस्टा होता है दस हजार लगा बीस हजार लगा उसके पास बहुत पैसा है वो कुछ नहीं करेंगे हम लोग बच्चे का एक क्वेश्चन है सुन लो क्वेश्चन सर एक कंपनी ने गोल्ड परचेस किया पहले मेरे को ये बताओ गोल्ड परचेज कोई क्यों कर रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट एज अ स्टॉक क्यों कर रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहा है ठीक है सर वन करोड़ रुपीज में हमने गोल्ड परचेस किया विच इज क्लासिफाइड इन माई बैलेंस शीट एज इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर सर गोल्ड का भाव बढ़ के एक करोड़ पचास लाख हो गया तो सर ये पचास लाख का करना क्या है आंसर इस कुछ नहीं करना है डिस्क्लोज कर देना है नोट्स में लोगों को बता देना है कि अभी इसका मार्केट वैल्यू इतना है लोग खुद समझ जाएंगे क्या करना है बैलेंस <laughs> शीट वन करोड़ पे ही आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है दैट विल बी शोन एट रूपीज वन करोड़ बात खत्म नो रिवेल्यूएशन इज अलाउड इन इन्वेस्टमेंट एट्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन तो अब अब इस स्पेसिफिक एसेट के लिए मेरे को तेरे को क्या पढ़ाना पड़ेगा एस पढ़ाना पड़ेगा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसेट्स अब उस एसेट के अंदर एक इन्वेंट्री का डिस्कशन अलग आएगा फिक्स्ड एसेट का अलग डिस्कशन आएगा इन्वेस्टमेंट का अलग डिस्कशन आएगा तब सीखोगे किसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे बट अभी जो इसका आंसर क्वेश्चन है मैं उसमें यही बोल रहा हूं कि हम लोग उसको वन करोड़ पर ही दिखाएंगे जो हमारा प्रॉफिट अभी अक्रियू हो रहा है अनरियलाइज वो हम लोग बैलेंस शीट में एज अ मार्केट वैल्यू का डिस्क्लोजर देंगे हमारा ए एस बोलता है कि आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना चाहिए सो दैट स्टेक होल्डर को पता चले आज के दिन इन्वेस्टमेंट का पोजिशन क्या है तो उससे वो पता करके अपना डिसीजन ले सकता है मैं ऐसा नहीं है छुपा रहा हूं मैंने बताया है बट मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के बाद एक हलचल आएगा चलो बांट देते हैं कोई चीज प्रॉफिट होता है खुशी आती है तो ऐसा ना चल पांच रुपया खर्च कर देते हैं आज दस ज्यादा कमाए हैं तो प्रॉफिट दिखेगा तो डिविडेंड बांटने का इच्छा करेगा बांट दिए डिविडेंड नेक्स्ट ईयर वो आया नहीं तो इसीलिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर बट अनरियलाइज लॉसेज हैज टू बी अकाउंटेड फॉर प्रूडेंस इसी को बोलते हैं ये हमारा प्रूडेंस है कि हम प्रॉफिट को ढिंडोरा ना नहीं पीटते जब होगा तब देखेंगे भाई इसीलिए एग्जाम देके आने के बाद किसी को नहीं बोलना सी आ जाएगा नहीं आया तो बस सोच के रखना वो बाजू वाले शर्मा जी अलग लेवल पे देंगे ठीक नेचर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के बाद लिखो ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी लिक्विडिटी में करंट एसेट्स एंड नंबर बी नॉन करंट एसेट्स मैं ना इनके ऊपर ब्रॉड डिस्कशन बाद में करूंगा आपके साथ डोंट वरी अभी बस बेसिक याद रखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बताना क्या करेंट क्या नॉन करेंट डेटर्स करेंट स्टॉक करेंट फिक्सड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स करंट नॉन करेंट दोनों हो सकता है सर जनरली कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म मान के नॉन करेंट में डाल देते हैं सर किसी को लोन दिया हुआ है सर आप बताओ पैसा कब आएगा मैं बोला पांच साल के लिए दिया हुआ है नॉन करेंट प्रीपेड एक्सपेंस करेंट किसी को दो साल तीन साल का प्रीपेड करके नहीं रखते रहे दो महीना तीन महीना का एडवांस दिया हुआ है काम करके देगा वो तो वो नॉर्मली प्रीपेड बोलेगा तो कौन सा लेने का करेंट कैश बैलेंस हमेशा करेंट कैश बैलेंस में कोई सुनवाई नहीं है हमेशा क्या होगा करंट क्लासिफिकेशन तीसरा रियलाइजेशन इन कैश रियलाइजेशन इन मनी लिखता हूं मनी इसके वाइज दो एसेट होते हैं मॉनिटरी एसेट्स मॉनिटरी एसेट में एग्जाम्पल लिखना क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है डेटर्स बिल रिसिवेबल्स कैश बैंक अक्रूड इनकम्स लोन्स गिविन एक्सेट्रा सर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिए प्रीपेड एक्सपेंस कैसे रियलाइज होगा रे सर्विस मिलेगा सामने वाले से सर्विस मिलेगा कैश नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कैश नहीं मिलेगा तो ये मॉनिटरी एसेट नहीं है और मॉनिटरी के अगेंस्ट जो मॉनिटरी नहीं है वो सब क्या हो गए नॉन मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी के एग्जांपल हो गए स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा कैश दीदी मॉनिटरी कैश से ज्यादा मॉनिटरी कुछ है ही नहीं वो अवेलेबल है आपके पास मनी टर्म्स में फ़िक्स्ड अमाउंट है मनी टर्म्स में अवेलेबल आपको जो काम करना है वो काम कर सकते हैं उसको रियलाइज करने का भी दरकार मॉनिटरी एसेट को डिफाइन किया गया दीज आर मनी हेल्ड मनी हेल्ड जो मनी आपके पास है एंड एसेट्स विच आर रिसीवेबल और पेएबल इन टर्म रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी तो मनी हेल्ड मतलब कैश और बैंक तो मॉनिटरी है ही है इसके साथ साथ जो एसेट फ्यूचर में रिसीव होंगे इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वो भी मॉनिटरी एसेट है तो कैश बैंक ऑलवेज मॉनिटरी वो मनी के रूप में पड़ा है तेरे को जो काम करना है कर ले अभी ठीक नहीं स्टॉक को हम लोग मॉनिटरी इसलिए नहीं बोलते फिक्स्ड अमाउंट नहीं है किसी से कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट ऐसा थोड़ी है कि हम बेचेंगे एक सौ ही देना पड़ेगा वो तो 100 पर भी बिक सकता है 102 पर भी बिक सकता है 105 पर भी बिक सकता है आज के दिन तुम एस्टिमेट ही कर सकता है तेरा कोई फिक्स्ड कमिटमेंट किसी से है। नहीं है अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहे कि ये इसमें जाएगा और नौ हजार रुपया मिलेगा और कैश में ही आएगा तो वो बोल सकते हो मॉनिटरी बट वो जनरली जनरली नहीं बोलते हम लोग क्योंकि मान ले कोई ऐसा बात हो गया वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हम तुमको दो सौ रुपया का पेनल्टी पे करके जा रहे हैं

कोई भी स्टॉक हो गया कोई भी स्टॉक हो गया दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज इन प्राइस बिकॉज रीजन बोल रहा हूं कब बिकेगा वो फिक्स नहीं है ना एक महीना बाद बिकेगा तीन महीने बाद बिकेगा छह महीने बाद बिकेगा और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे, वैसे वैसे वैल्यू विल चेंज विल चेंज हंड्रेड परसेंट दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज इन वैल्यू हा डन अब एसेट क्या होता है एसेट के एग्जाम्पल समझ में अगर आ गए हम लोग तीसरे पॉइंट में जाएंगे हम लोग एक एसेट को अपने बुक्स में कब रिकॉर्ड कर सकते हैं कब रिकॉर्ड कर सकते हैं बोला एसेट को अगर रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज करना है रिकॉर्ड करने का दूसरा नाम होता है रिकॉग्निशन क्या होता है रिकॉग्निशन हम लोग एक एसेट को तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब दो कंडीशंस फुलफिल्ड हो कितनी कंडीशन दो, दो पहला प्रोबेबल है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा प्रोबेबल का मतलब मोर लाइकली देन नॉट मतलब 80 90%, 70%, 50 से ज्यादा चांस है कि हमको उससे फ्यूचर में बेनिफिट आएगा एंड नंबर टू उसका कॉस्ट मैं मेजर कर पाऊंगा अगर कोई एसेट ऐसा है जो मेरे को पता है है मेरे लिए बेनिफिशियल एसेट है, है मेरा इस पर कंट्रोल है बट मैं कॉस्ट ही नहीं निकाल पा रहा हूं तुमको कभी भी अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग के लिए तुमको क्या चाहिए वैल्यू चाहिए अगर तेरे को वैल्यू ही नहीं पता क्या है तो तुम उसको रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड करने के लिए दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखना जब रिकॉर्ड करने जा रहे हो तब चेक कर लेना कि क्या इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा नंबर टू उसका कॉस्ट हमको मेजर होना अगर मैं कॉस्ट मेजर नहीं कर पा रहा हूं इन दैट केस मैं उस एसेट को चाह कर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता जैसे बेस्ट एग्जाम्पल सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या हमारी गुडविल जो हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए एसेट है बिल्कुल सर आपके पास उसका ओनरशिप है कंट्रोल है आपकी है सर आप जैसे चाहे उसको यूज करें एंड नंबर टू क्या उससे मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा मिलेगा बट क्या मैं उसका कॉस्ट मेजर कर सकता हूं सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए सालों साल आपने पसीना बाया मेहनत की है इतना पढ़ाया है तब जाके वो गुडविल जनरेट हुआ है उसका कॉस्ट मनी के टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल तो हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे तो मैं चाह के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसका कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड अब हमने एक नवीन क्लासेस का मान लो लोगो बना रखा है नवीन क्लासेस का नाम दे रखा है तो नवीन क्लासेस का लोगो जो बनाया है वो एक ट्रेड मार्क है एक मार्क है जिससे कोई रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भैया ये पढ़ना है यहां जाके पढ़ सकते हैं ये नवीन क्लासेस है यार मैंने देखा है इनका

पापा को बोलेंगे लोगो डिजाइन करने के लिए पांच हजार पापा मानेंगे ही नहीं वही अब्बा नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे बोला पांच हजार रुपया में कौन डिजाइन करता है कुछ भी लगा लेना एक तो गूगल से फोटो निकाल चिपका दे हाँ बोला पापा ऐसा नहीं होता बोला नहीं कैसे भी कर लो पांच हजार रुपया नहीं देना तो फोटोशॉप में बैठा दोस्त के साथ उसको बोला देख ऐसा ऐसा सोच है बना दे वो बना के दे दिया और वही आज तक यूज हो रहा है तो हम लोगों का कोई खर्चा नहीं लगाता और वो वो खाली लोगों उस दिन बनाने का खर्चा भला ही हजार दो हजार हो आज के दिन उसकी वैल्यू हजार दो हजार नहीं है आज के दिन उसकी वैल्यू लगाना मुश्किल है हम लोग अगर इस एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमार हमारे पास इसका कॉस्ट अवेलेबल तो जिन चीजों का कॉस्ट ही आप मेजर नहीं कर पाओगे आप चाह कर भी उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड तो एसेट को रिकॉर्ड करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए नंबर वन प्रोबेबल है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगा नंबर उसका कॉस्ट मैं मेजर कर पाऊं अगर नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं एसेट को रिकॉर्ड सर पहला वाला पॉइंट प्रोबेबल है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा सर कोई ऐसा हो सकता है एसेट जिससे नहीं आए अगर किसी से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आएगा तो फिर वो एसेट ही एसेट ही नहीं है तो वो खर्चे को मैं लॉस बोल के राइट ऑफ करूंगा मैं उसको कभी एसेट बोल के रिकॉर्ड तो पहला वाला कंडीशन तो एसेट की डेफिनेशन से आता है जो कि बोलता है कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो ही एसेट लिखना नहीं तो एसेट लिखने का दरकार नहीं है तो दो पॉइंट अगर सेटिस्फाई होंगे तभी आप किसी एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो दो पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर थ्री रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आप एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया टू कंडीशंस दोनों फुलफिल होना चाहिए नंबर वन प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स शॉर्ट में लिखा रहा हूं प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की भैया इस रिसोर्स से मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा एंड नंबर टू कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड उसका कॉस्ट मैं मेजर कर पा रहा हूं अगर मैं कॉस्ट मेजर नहीं कर पाऊंगा तो मैं चाह के भी एसेट को रिकॉर्ड क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जानते हैं हमको मनी मेजरमेंट चाहिए अगर मेरे को पता ही नहीं कॉस्ट क्या है तो हम लोग एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं वो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो हमको कॉस्ट को मेजर करना होगा इफ आई कांट मेजर कॉस्ट आई विल नॉट रिकॉर्ड आई विल नॉट रिकॉर्ड एसेट क्योंकि अभी मेरे पास उसका कोई वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है सर मानो आप एग्जाम्पल सुने होंगे कभी आपको पता है कि नहीं पता नहीं जेवियर्स कॉलेज जानते हैं सब बहुत लोग उस महान कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं हंस क्यों रहा इट्स वेरी बैड हम तो अच्छा ही बोले तुमको हंसी क्यों आ रहा है पता नहीं सर कैजम नहीं था ट्रूथ है हम हंस नहीं रहे सुनो ए तुम पूरा मतलब ही तुम पूरा जज्बात ही बदल देता है केस कर देगा बोला केस देगा। केस, देगा। केस, देगा। केस, देगा। केस नहीं केस क्या तुम लोग यार आपसे बता चलो सुनो सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता ये जो यूनिवर्सिटी बनाया राजर हाट में उसके लिए लैंड लैंड उसको चाहिए था लैंड मिला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से एट जस्ट रुपी वन एक रुपया देकर लैंड अक्वायर किया इतना बड़ा जगह सर एक रुपया में कौन देता है देते हैं देते हैं रीजन बता रहा हूं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एरिया डेवलप करना है राजरहाट का कोई भी एरिया तभी डेवलप होगा जहां जब वहां पे लोग रहने आए क्योंकि लोग रहने आएंगे तो कंजम्पशन होगा कंजम्पशन होगा तो वहां सप्लाई आएगा नहीं तो अगर कोई लोग रहेगा ही नहीं तो वहां पे कोई कोई चीज डेवलप बहुत ट्राई किया पहले कि वहां पे कंपनीज का हेड ऑफिस होके डेवलप करे बट वो लिमिटेड डेवलपमेंट होता है क्योंकि वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं जैसे सेक्टर फाइव राजर हाट ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखेंगी बट वो डेवलप्ड नहीं है तुम उसमें नीचे जाओगे तो सभी झोपड़ी में लोग बैठे खड़े खड़े खा रहे हैं क्यों क्योंकि वहां पे वो लोग रोज दस से छह रहते हैं सैटरडे संडे तो ऐसा सुनसान जिसको बोलते हैं ना सुनसान बस वहां पे जो पब्स क्लब्स है वहां पे कुछ लोग आते हैं तुम्हारे जैसे उम्र के <laughs> तो डेवलप करना है तो वहां पे लोगों को लेके आना पड़ेगा अब लोगों को लेके आना है तो वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक एडुकेशन हेल्थ होना चाहिए तो हेल्थ के लिए टाटा कैंसर हॉस्पिटल लाइक दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह बनाया गया एडुकेशन का जब बात आया तो वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा नाम एडुकेशन के नाम पर क्या है सेंजेवियर्स कॉलेज उनको अप्रोच किया गया कि आप कुछ फैसिलिटी वहां पे खोलिए गौर सेंजेवियर्स बोला हम बहुत खुश होंगे अगर वहां पे हम अपना यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच खोले बट हम लोग ना पैसा नहीं देंगे बोला लैंड के लिए 15 करोड़ रुपया लगेगा नहीं देंगे है देंगे नहीं तो दीदी बोली ठीक है हमको यहां का ग्रेजुएट डिग्री दीदी को ग्रेजुएट डिग्री दीदी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता <laughs> इन ऑनर जैसे शाहरुख खान वर्ल्ड की बहुत सारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है हाँ पढ़ के नहीं इन ऑनर वो वो डॉक्टरेट की डिग्रीज वगैरह उनको देते हैं जब आप कोई लाइफ में कुछ हासिल कर लेते हैं ना तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लोग आपको आके डॉक्टरेट वगैरह का डिग्री वगैरह देते हैं वैसे वो पढ़ा हुआ नहीं है वहां से तो उनको डिग्री उनको वो दिया ग्रेजुएट और एक रुपया के उसमें उनको राजरहाट का लैंड दिया गया अब क्वेश्चन है सर लैंड का एक्चुअल वैल्यू है कितना रुपया पंद्रह करोड़ बीस करोड़ रुपया बट सेंट को कितने में मिला एक रुपए में तो सर अब हम लोग किस वैल्यू पर लैंड को शो करें सर हम लोग तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो बोलता है भैया जो लगा उसी पर दिखाना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है जब कोई एक रुपया की बात आती है ना तो वो अच्छा नहीं लगता दिखाया हुआ बैलेंस शीट में उससे अच्छा नहीं दिखाते तो बेटर रहता बट नहीं दिखाने से भी पूरा प्रॉपर पोजीशन ऑफ एसेट हम लोग बता नहीं पाएंगे तो हमने क्या किया उसको एक वैल्यू पर दिखाने की बात की किस पर नॉमिनल वैल्यू अगर मान ले हमारा सेंट जेवियर्स कॉलेज का जो बैलेंस शीट है वो कोई भी दस हजार से ऊपर की चीज को कैपिटलाइज करने की बात करता है तो बोला तुम इसको दस हजार पे दिखा के छोड़ दो एक रुपया पे दिखा के छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अगर एक रुपया पे दिखा के छोड़ोगे तो उस वो बैलेंस शीट में कहीं दिखेगा ही नहीं ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं ताकि लोगों को पता चले कि ये लैंड सेंट सेवियर्स कॉलेज का है उसको एक कम से कम एक इज्जतदार वैल्यू देकर नॉमिनल वैल्यू देके दिखा दो अब सर अगर लैंड को दस हजार रुपए पे दिखाएंगे पेमेंट एक रुपया किया तो नौ हजार नौ सौ निन्यानवे कहां जाएगा वो हम लोग रिटेन अर्निंग्स में अकाउंट फॉर करते हैं Reserves में अकाउंट फॉर करते हैं कि भैया हम लोग खरीदे तो एक रुपया में बट दस हजार दिखा का है, तो उसको दस पे दिखाएंगे तो नौ हजार नौ सौ निन्यानवे करेंगे Reserves, नहीं तो हमारा बैलेंस शीट ही टैली तो अगर सर कोई चीज फ्री में मिला तो उसको दिखाना है क्या दिखाते हैं किस वैल्यू पे नॉमिनल वैल्यू पे हम लोग उसको ऐसे छोड़ नहीं देते दे। क्योंकि छोड़ देने से मेरा रियल पोजीशन ऑफ एसेट कभी पता और उस लैंड का ना एक्चुअल में मेरे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो मेरे को उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाना पड़ेगा सर फिर तो ऐसे कर सकते हैं ना आगे हम रीवैल्यू करके उसको सही वैल्यू पे ले आए वो रीवैल्यूएशन अलाउड है बट रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहा जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा वो पीएल में तुम फर्स्ट ईयर एंड में जाके उसको रीवैल्यू कर लो प्रॉब्लम नहीं है बट इनिशियली जब रिकॉर्ड करोगे कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगे कॉस्ट पे और कॉस्ट कितना रुपया लेंगे दस हजार रुपया सर तो फिर बिल्डिंग बिल्डिंग बन गया और भर के कॉस्ट हो गया तो फिर हो सकता है जो हमारा सेंट जेवियर्स कॉलेज है वो पता है अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाया होगा दी बिल लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ यूनिवर्सिटी उसको टोटल करके कैपिटलाइज कर दिया होगा तभी एक वैल्यू अच्छा आ जाएगा और उसको फिर धीरे धीरे डेप्रीशिएट कर दिया जाएगा वैसे बोला गया है कि लैंड और बिल्डिंग को एक साथ नहीं दिखाना चाहिए अलग अलग दिखाना चाहिए क्योंकि लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट वेयर एज बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएबल एसेट अलग अलग दिखाना ज्यादा बेटर होता है इसीलिए हम लोग उसको अलग अलग प्रेजेंट करेंगे ज हाउ थिंग्स गो तो हम लोग कॉस्ट का जब रिलायबली मेजर का बात करते हैं ना हम लोग एसेट को कॉस्ट पे दिखाएंगे कॉस्ट का मेजरमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो सर अगर कोई चीज फ्री में मिला है तो क्या उसको रिकॉर्ड नहीं करना है करना है अगर तेरे को लगता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है और एसेट दिखाना चाहिए ट्रू फेयर वैल्यू के ट्रू फेयर व्यू के लिए तो फिर मेरे को उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए बोलो नहीं बेच नहीं बेच सकता कंडीशंस रहती है अब ऐसा मजा थोड़ी है कि पांच साल तक कुछ किए नहीं फिर पांच साल में बेच नहीं होता है वो नंबर वन लीज पे देते हैं नंबर टू वो बेचने का कंडीशन रहता है कि आप बेच नहीं सकते ये लैंड जिस दिन वहां से आपका काम उठेगा वो गवर्नमेंट को वापस चला जाएगा नहीं तो ऐसा होता तो सोच लोग कितना चोरी कर करके वो होता है वो उस तरीके से होता है तो वो आप नहीं कर सकते आप बेच ही नहीं सकते बेच देना विल बी कॉन्ट्रावेंशन टू दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट जो वहां पे तुमको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया था नॉट अलाउड एसेट को रिकॉर्ड करने का दो कंडीशन क्लियर है रिकॉर्ड करेंगे किस वैल्यू पे हमेशा कॉस्ट पर एसेट की अकाउंटिंग फंडा बता रहा हूं अकाउंटिंग मतलब डेबिट क्रेडिट एसेट का जब भी अकाउंटिंग करोगे सिंपल रूल ध्यान रखना कोई ट्रांजैक्शन से बिजनेस में अगर एसेट आएगा एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड और कोई ट्रांजैक्शन से अगर बिजनेस में एसेट कम हो रहा है एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अब तुम लोग बड़े हो गए हो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड जब भी हम लोग कोई लेजर वगैरह प्रिपेयर करें ना अपने पूरे के पूरे करिकुलम में आप बहुत फास्ट सोच पाओ ये मेरी मतलब आपसे इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं उम्मीद करता हूं कि आप ये कर पाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला एसेट का अकाउंटिंग फंडा अगर कोई ट्रांजेक्शन से एसेट बढ़ेगा तो एसेट को डेबिट करेंगे अगर एसेट को कम करना है तो एसेट को क्रेडिट करेंगे अब मान ले तुम एक कैश अकाउंट बना रहे है इज कैश एन एसेट इज कैश एंड अब इतना डिस्कशन के बाद अगर कैश एसेट नहीं निकल रहा है तो मुश्किल है कैश एसेट है अब सुन मैं तेरे को ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं तुम फटाफट बोलेगा कैश डेबिट या क्रेडिट तेरे को सिर्फ क्या याद रखना है कैश बढ़ेगा तो डेबिट कम होगा तो क्रेडिट डेटर से कैश मिला कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैपिटल मैं कैश का पूछ रहा हूं तेरे से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैश क्या होगा बढ़ेगा डेबिट लोन लिया डेबिट कैश डेबिट होगा एक्सपेंसेस पेमेंट किया बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया लाइबिलिटी पे किया लोन रीपे किया माल बेच के पैसा आया माल बेच के पैसा आया डेबिट कैश तो आया ना तेरे पास हम लोग कैश के बारे में अभी हम लोग क्या चीज का बात कर रहे हैं एसेट का तो एसेट तो कैश है ना अभी मैं तेरे से कैश पूछ रहा हूँ हमारा एसेट है तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट गिरेगा तो क्रेडिट मैंने मैंने अपने डेटर को माल बेचा डेटर बढ़ेगा बढ़ेगा क्योंकि मेरे को उससे पैसा मिलेगा डेबिट डेटर से पैसा आया क्रेडिट क्योंकि डेटर कम हो जाएगा राइट खत्म हो गया डेटर को डिस्काउंट दिया डेटर का बैड डेट हुआ <देटर> क्योंकि इन सबसे डेटर कम होते चला जाएगा अगर डेटर को डिस्काउंट दोगे डेटर का वैल्यू कम होगा डेटर बैड डेट करेगा डेटर का वैल्यू कम होगा डेटर से चेक मिला चेक मिला तो डेटर कम हो जाएगा डेटर से चेक मिला तो डेटर कम हो जाएगा डेटर क्रेडिट होगा मान ले यही चेक डिजॉनर हो गया डेटर वापस बढ़ जाएगा डेबिट फोकस मैं डेटर के बारे में बात कर रहा हूं तो तुम बैंक कैश सेल्स वगैरह के बारे में मत सोचो मैंने बोला डेटर से चेक मिला डेटर से चेक मिला मतलब डेटर ने पेमेंट किया डेटर पेमेंट करेगा तो डेटर का वैल्यू कम करना पड़ेगा हाँ या ना वापस ये चेक डिजॉनर हो गया मतलब उससे वापस पैसा लेना पड़ेगा क्योंकि चेक बाउंस हो गया तो उससे पैसा मांगना है तो वो डेटर बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे डेटर से बिल आया बिल आया क्रेडिट डेटर कम हो जाएगा डेटर का बिल डिजॉनर हो गया डेबिट क्योंकि डेटर से पैसा लेना है उसने पैसा देने से मना कर दिया बिल का हम लोगों को इस तरीके से अकाउंटिंग करना पड़ेगा मशीनरी इज एन और नो मशीनरी परचेज किया मशीनरी को अपवर्ड रिवैल्यू किया डेबिट रिवैल्यू कर सकते हैं मशीनरी को मशीनरी को कर सकते हैं उस पर बात करेंगे अपवर्ड रिवैल्यू किया वैल्यू बढ़ाई डेबिट मशीनरी को डेप्रिशिएट किया मशीनरी को डाउनवर्ड रिवैल्यू किया मशीनरी को बेचा मतलब जब एसेट जाएगा या कम होगा क्रेडिट करना जब एसेट आएगा डेबिट करना है सर अकाउंटिंग ऐसे सीखते हैं हम लोग तो जर्नल लर्न करते जर्नल अब लर्न नहीं कर सकते अब हम लोग उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पर हमारा अकाउंटिंग ये बेसिक ज्ञान बहुत फास्ट होना चाहिए मतलब अब हम लोग बुक कीपिंग पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे बुक कीपिंग हमको आता है अब हमको इसको सिर्फ प्रेजेंटेशन में टाइम इन्वेस्ट करना है तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से लेजर को सोच पाएगा ना वो बच्चा बहुत फास्ट अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएगा इजी कैलकुलेशन वो बहुत फास्ट कर पाएगा अनफॉर्चुनेटली एक चैप्टर था हमारे पास सिंगल एंट्री अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बच्चों को बहुत डर लगता था बट अल्टीमेटली जाके समझ में आता था ये चैप्टर सीख लिया तो बुक कीपिंग तो क्लियर है बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस से उस चैप्टर को हटा दिया गया है फाउंडेशन में भी तुम नहीं पढ़ पाए इंटर में भी तुम नहीं पढ़ पाए एंड दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है किसी बच्चे का आप बुक कीपिंग कितना स्ट्रांग है वो तीन चैप्टर से पता चलता है सिंगल एंट्री रेक्टिफिकेशन और कैश फ्लो ये तीनों अलग अलग चीज पर बात करता है सिंगल एंट्री अक्रूवल पे चल के पूरा काम करते हैं रेक्टिफिकेशन पूरा गलती को ठीक करने का क्योंकि गलती ठीक तभी कर पाओगे जब गलती और सही ट्रीटमेंट समझते हो और कैश फ्लो जो पूरे कैश बेसिस पर चलता है और पूरा का पूरा पैसे के बारे में बात करता है अगर किसी के ये तीन चैप्टर बहुत स्ट्रांग है ना उसका अकाउंट्स का बेस बहुत स्ट्रांग होगा वो मतलब कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेगा

दिस इज वॉट इज ज्ञान उनके पास ज्ञान है अब तुमको उस ज्ञान को यहां उतारना है इसीलिए तुमको थोड़ा सा वो सीखना पड़ता है प्रेजेंटेशन पापा को एग्जाम देना नहीं है पहले बताइए पॉइंट थ्री क्लियर पॉइंट फोर अकाउंटिंग रूल बोल एसेट अगर बढ़ेगा डेबिट एसेट को कम करना है क्रेडिट एसेट बढ़ेगा डेबिट एसेट कम करना है क्रेडिट एक एग्जाम्पल लें एग्जाम्पल मैं चाहूंगा आप मेरे लिए एक लेजर अकाउंट बना के दे मैं अभी कैश के बारे में बात कर रहा हूं कैश के बारे में कैश सबसे इजी है डील करने में एसेट वाइज सबसे किसी एसेट में इजी डील करना है तो वो कैश है आया नहीं आया बस ये पता करके डेबिट क्रेडिट करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ये ओपनिंग बैलेंस सबको समझ में आता है क्या हमारा बिजनेस ना बिजनेस ईयर ऑन ईयर चलता रहेगा हम लोग क्या करते हैं जैसे जैसे हर साल खत्म होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं फाइनल अकाउंट्स बना के स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन दे देते हैं वापस क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर जो लास्ट ईयर हमने बैलेंसेस बैलेंसेस को को क्लोज किया था नेक्स्ट ईयर वापस खोल के अपनी अकाउंटिंग वापस कंटिन्यू करते हैं अकाउंटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बट बीच बीच में उसको फाइनलाइज करना पड़ता है ताकि पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन दिया जा सके तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश का मतलब क्या है बोल देता हूं लास्ट ईयर जब मैंने अपना बुक्स क्लोज किया था मेरे पास दस हजार रुपया कैश था वो मैं इस करेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं क्या कर रहा हूं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं अब आप इसको ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन कैरी फॉरवर्ड कोई भी वर्ड बोलो सभी की है ठीक इसके बाद देख क्या हुआ पूरे साल के ट्रांजेक्शन बता रहा हूं कैश सेल्स पचास हजार क्या ये कैश को अफेक्ट करेगा वेरी गुड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तीस हजार पेमेंट ऑफ सैलरी बारह हजार मशीनरी परचेस्ड पांच हजार ड्रॉइंग्स ये ड्रॉइंग्स वगैरह ना सोल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप में दिखता था अब दिखना बंद हो जाएगा इंटर में क्योंकि इंटर में कंपनी की बात आएगी कंपनी में ड्रॉइंग नहीं होता है अगर कंपनी में ड्राइंग का मजा होता तो देख कितना मजा होता मेरे पास रिलायंस का शेयर है हम रोज बॉम्बे जाके आते मुकेश को बोलते कुछ कमाई हुआ क्या बोला हाँ हुआ सौ रुपया दो ना आज शाम का हो जाएगा आज शाम का हो जाएगा दो वड़ा पाव हाँ सौ रुपये में दो वड़ा पाव खा लेंगे हम लोग अट्ठाईस तू मेरा भाई है तू जो बोले वो सब सच हो जाए अभी जो बोला बस तुम क्या क्या बोलता है नहीं समझ में आता सुनो तो कंपनी में ड्राइंग्स खेला नहीं होता अगर कंपनी में ड्राइंग्स होने लगेगा तो कंपनी के बाहर हमेशा लाइन लगी रहेगी पैसा दीजिए पैसा दीजिए पैसा दीजिए हम भी मालिक हम उठाने आए हैं कंपनी में ड्राइंग्स कंपनी का ड्राइंग्स होता है डिविडेंड्स क्या होता है कंपनी कमाया कमा के अगर कंपनी को कुछ देना है मालिकों को तो कंपनी खुद डिसाइड करेगा और अपने मालिकों को डिविडेंड्स के रूप में देगा डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो कि ड्रॉइंग्स की तरह है जो हम लोग प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में करते थे डने बात तो डिविडेंड वहां पे होता है वहां पे कोई ड्रॉइंग्स बोल के शब्द तो इंटर लेवल आते ही ये ड्रॉइंग्स खत्म हो जाएगा मतलब तुमको कोई चैप्टर में कहीं पे भी ये ड्रॉइंग्स वर्ड ही नहीं दिखाई देगा मतलब मिस करेंगे आप ये सब वर्ड को जो बचपन में हर क्वेश्चन में देखा करते थे ड्रॉइंग्स बारह हजार बेड डेट्स चार हजार फिर उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स अट्ठारह हजार फाइंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट लेजर बना के हा लेजर बना के लेजर लेजर टी फॉर्म डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट अभी नहीं चाहिए मेरे को डेट पर्टिकुलर्स वगैरह इतना सोचने का नहीं है बनाने का हां थर्टी नाइन थाउजेंड वेरी गुड हम लोग क्या बना रहे हैं अभी कैश अकाउंट में तो वही आएगा ना जिससे कैश इफेक्ट होगा कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कैश को टच ही नहीं करेगा तो उसको कैश में लेने का दरकार अब डेटर को माल बेचा फॉर एग्जाम्पल डेटर को माल बेचा क्रेडिट में उसका उसका कैश से कोई रिलेशन वो कैश में क्यों दिखाएंगे वैसे ही मेरे इस एग्जाम्पल में ना एक हिडन गंदगी था, bad debts. Bad debts मतलब debtor ने पैसा नहीं दिया पैसा नहीं दिया वो कैश अकाउंट में कैसे आएगा ये एक लॉस है जो पीएल में जाएगा ये कैश अकाउंट में कुछ बच्चे हड़बड़ी में बैड डेट को भी खर्चा बोल के कैश में क्रेडिट कर दिए विच इज वेरी 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 बैड वेरी गुड पीतम जो लोग थर्टी नाइन थाउजेंड बोला क्या गलती की है समझ में आया वो लोग बैड डेट को बैड डेट को कैश में क्रेडिट कर दिया मतलब बैड डेट के लिए कैश पेमेंट होता है मतलब पैसा आया नहीं पैसा गया थोड़ी उससे कुछ तो बैड डेट कैश अकाउंट में नहीं आएगा तो अगर मैं लेजर अकाउंट बनाऊं अब ये सब में ना हैंड्स ऑन होना चाहिए एकदम फास्ट बोल कैश मेरा एसेट है एसेट का बैलेंस किस नेचर का डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टेन थाउजेंड अब जो जो पैसा आया है डेबिट कर कैश बड़ा है डेबिट कर सेल्स डेबिट कर दू टू सेल्स अकाउंट फिर डेटर से पैसा आया टू डेटर्स अकाउंट सैलरीज का पेमेंट किया बाई सैलरीज अकाउंट मशीनरी परचेज किया बाई मशीनरी अकाउंट ड्रॉइंग्स किया बाई ड्राइंग्स बैड डेट्स कैश अकाउंट में नहीं आएगा क्रेडिटर्स को पेमेंट किया बाई क्रेडिटर्स तो बाई बैलेंस सी डी कैरेट डाउन फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है कैसे लेजर अकाउंट्स आप बना पाएंगे अगर मैं मांगूंगा कभी तो हमको कुछ चैप्टर्स में काम आएंगे वहां जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा आपको बोलूंगा बना दो लेजर बट लेजर बनाने का सिंप्लीफाइड तरीका सुन क्या है जर्नल याद करके लेजर नहीं बनाते तुम नेचर देखो कैश एसेट है एसेट का अकाउंटिंग रूल बिल्कुल सिंपल है एसेट अगर कोई ट्रांजैक्शन से इंक्रीज हो रहा है एसेट को डेबिट करो ट्रांजैक्शन से एसेट डिक्रीज हो रहा है एसेट को क्रेडिट करो तो कैश जब पैसा आएगा डेबिट करूंगा जब पैसा जाएगा तब क्रेडिट करूंगा अब इसी में देखो सेकेंड एग्जाम्पल लो एग्जाम्पल यहां पर मैं डेटर्स की बात कर रहा हूं डेटर्स की ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स लेफ्ट हैंड साइड लिखो राइट हैंड साइड अकाउंट बना लेना जिनको पेज वेस्ट नहीं करना पांच हजार कैश सेल्स पचास हजार क्रेडिट सेल्स एक लाख कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिस्काउंट अलाउड 2000 बैड डेट्स 5000 बैड डेट्स रिकवर्ड बारह प्रिपेयर डेटर अकाउंट Prepare a debtor account. <laughs> डेटर का अकाउंट बनाना है तो सिर्फ डेटर्स को जो इफेक्ट करेगा वही यहां आएगा अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें डेटर पे इफेक्ट नहीं है वो यहां मत लेना कितना मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं ट्वेंटी थ्री एंड थर्टी फाइव ऑनलाइन भी एक आंसर एक्स्ट्रा आया सिक्सटीन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड डेटर एसेट है ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख दू एसेट डेबिट नेचर के होते हैं कैश सेल्स मैंने कस्टमर को माल बेचा उन्होंने पैसा दे दिया तो क्या डेटर क्रिएट हुआ नहीं तो इसको नहीं लेंगे क्रेडिट सेल ये डेटर को क्रिएट करेगा डेटर बढ़ेगा डेटर बढ़ेगा तो डेबिट कर रहा हूं टू सेल्स एक लाख डेटर्स ने पैसा दे दिया डेटर्स कम हो जाएगा बाई कैश सेवेंटी फाइव थाउजेंड डेटर्स को मैंने डिस्काउंट दिया कम हो जाएगा बाई डिस्काउंट अलाउड दो हजार डेटर्स ने डेट कर दिया पैसा देने से मना कर दिया बोला जाओ बाई बैड डेट डेटर कम हो जाएगा पांच हजार बैड डेट रिकवर्ड जो पहले बैड डेट हुआ था उसका पैसा वापस आ गया तो बैड डेट रिकवर्ड नहीं आएगा तो बैड डेट रिकवर्ड का एंट्री क्या होता है कैश अकाउंट डेबिट टू डेट रिकवर्ड अकाउंट इसका डेटर से कोई रिलेशन थोड़ा समझाता हूँ सुनना मेरा बात लास्ट ईयर डेटर था बारह हजार रुपया पाते थे लास्ट ईयर वो आना का नहीं कर रहा था और मेरे को लगा अब इससे पैसा नहीं आएगा मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया क्या कर दिया जब राइट ऑफ करते हैं तो उसको बोलते हैं बैड डेट लिखना क्या बोलते हैं बैड डेट लिखना तो मैंने लास्ट ईयर एक एंट्री पास की बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर डेटर को खत्म कर दिया और बैड डेट का अगर पैसा आएगा, तो मैं नहीं लिख सकता नेक्स्ट ईयर अगर पैसा आएगा तो मेरे को लिखना है जो दिखाया था, वो नहीं हुआ। तो मैंने उसके अगेंस्ट गेन दिखा दिया कि भैया लास्ट ईयर जो लॉस दिखाए थे ना वो लॉस हुआ नहीं उसका पैसा मेरे को मिल गया तो अगर मेरा बैड डेट रिकवर्ड होता है मैं कभी कैश टू डेटर नहीं लिखता कंफ्यूजन ऐसा होता बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम श्याम अ डेटर तो बच्चे को लगता है डेटर से पैसा आया डेटर से पैसा आया तो सही बट वो डेटर मेरी बुक्स में था या नहीं था क्योंकि मैंने अगर बैड डेट रिकॉर्ड किया मतलब उस डेटर को राइट ऑफ कर दिया वो डेटर मेरी बुक्स में एग्जिस्ट तो अब जब पैसा आएगा तो कैश टू श्याम नहीं कर सकता क्योंकि श्याम तो मेरी बुक्स में है ही मेरे को लिखना पड़ेगा कैश टू बैड डेट रिकवर्ड इसीलिए क्योंकि कैश टू बैड डेट रिकवर्ड होता है तो इसका डेटर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन में मैंने दो दो गंदगियां दी थी जो मेरे को लगा बच्चे गलती करेंगे एक में तो कर दिया आपने और एक आपने नहीं किया अब बताओ बैलेंस क्या आएगा दीदी गलती क्यों की है इस बार ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वेरी गुड आजा बैड डेट रिकवर्ड मैं एक बार समझा रहा हूं सुन लो एक बार जिनको और प्रॉब्लम है वो भी देख लो बैड डेट रिकवर होने के लिए पहले बैड डेट होना चाहिए लास्ट ईयर अब सुनना मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं ऐसे ही समझ में आएगा मेरा एक डेटर था डेटर का नाम हर्ष अग्रवाल जानते ही होंगे नाम तो सुना ही होगा तो अब नाम भी जान लो भाई कहीं दिखेगा तुमको लाइफ में देख लेना तुम फिर तुम बोला बीच में क्यों बोलता है तुम ऐ सुनो ये मेरा दोस्त था बचपन का हर्ष अग्रवाल ठीक है अब सुनो ये डेटर से मैं दस हजार रुपया पाता था माल बेचा था दस हजार रुपया बाकी था नॉर्मली अगर दस हजार रुपया किसी से लेना बाकी है तो वो मेरा डेटर है डेटर कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट में बट बैलेंस शीट में दिखाने से पहले मैं एक बार प्रूडेंस एक्सरसाइज करूंगा यह देखूंगा कि भाई दस हजार दिखा तो रहा हूं पैसा आएगा या मैं जब प्रूडेंस एक्सरसाइज किया मैंने जब इसका फाइनेंशियल मतलब हर्ष का फाइनेंशियल कंडीशन चेक किया तो हर्ष का फाइनेंशियल कंडीशन से समझ में आया कि उसका पैसा आने वाला नहीं है अब जब पैसा आने वाला नहीं है तो क्या एसेट बैलेंस शीट में दिखाना सही है या गलत गलत, गलत। तो मैंने डिसाइड किया मैं इस डेटर को अपनी बैलेंस शीट से हटाऊंगा अब डेटर को बैलेंस शीट से हटाऊंगा एसेट को बैलेंस शीट से हटाऊंगा तो एसेट को कर दिया क्रेडिट तो मेरी बुक से हर्ष वाला जो डेटर था वो पूरी तरीके से क्या हो गया राइट ऑफ हो गया खत्म हो गया और एसेट को खत्म करूंगा तो ये मेरे लिए लॉस है लॉस को मैं बोलता हूं बैड डेट इस लॉस को मैं बोलता हूं बैड डेट ये बैड डेट मैं क्या करता हूं पीएल में दिखाता हूं कहां दिखाता हूं पीएल में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है एज अ लॉस ठीक नेक्स्ट ईयर मेरे एस्टीमेट्स के अगेंस्ट दो महीने बाद हर्ष आया बोला भैया आपका दस हजार रुपया बाकी था ना ले लीजिए मेरा तो एक बार दिमाग खराब हो गया मैं बोला यार क्या हो गया गलती कर दी है इस पर शक करके हमको लगा इससे पैसा आएगा नहीं बट नेक्स्ट ईयर ये आया नेक्स्ट नेक्स ईयर आके दस हजार रुपया पे कर दिया अब प्रॉब्लम मेरा ये है मैं तो लास्ट ईयर का बुक्स बना के बंद कर चुका हूं मैंने तो इसको अपने जिंदगी से मतलब बैलेंस शीट से हटा दिया सारा जायदाद से इसको हटा दिए थे वहां से अब इसको हटा दिए लास्ट ईयर में तो इस साल डेटर कैरी फॉरवर्ड भी नहीं, नहीं हुआ होगा मतलब हर्ष बोल के मेरे जीवन में अभी कोई नॉर्मली हर्ष से पैसा आता तो मैं जर्नल एंट्री करता कैश टू हर्ष बट हर्ष तो मेरे यहां एग्जिस्ट ही तो हर्ष एग्जिस्ट नहीं करता तो हमको यहां एंट्री क्या करना पड़ेगा मैंने जो लास्ट ईयर लॉस दिखाया क्या वो लॉस रियल में हुआ या नहीं हुआ नहीं हुआ तो उस लॉस को रिवर्स करके मेरे को इस साल गेन दिखा देना चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट पोजीशन सही हो जाए तो उस गेन को जब हम लोग दिखाएंगे हम लोग उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड क्या बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड तो जब इस बार दस हजार रुपया हर्ष से आएगा ना मैं कैश टू हर्ष लिखने की जगह कैश टू बैड डेट रिकवर्ड लिखूंगा क्योंकि हर्ष मेरे बुक्स में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या ये पैसे आने से मेरे डेटर पर कोई इफेक्ट हुआ क्योंकि वो डेटर ही मैंने राइट ऑफ कर दिया था वो डेटर मेरे पास था ही नहीं क्लियर है ये वाला बात तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश टू बैड डेट रिकवर इंस्टेड ऑफ कैश टू डेटर नॉर्मली ऐसा बच्चे एंट्री याद करते हैं जिससे पैसा आए कैश टू उसका नाम लिख दे भाई शाम से आया कैश टू शाम राम से आया कैश टू राम वही तुमको क्वेश्चन बोला कैश आया मिस्टर सिंह से जिसका लास्ट ईयर बैड डेट रिकॉर्ड किया हुआ था तो तुम कैश टू सिंग नहीं लिख सकते क्योंकि सिंग मेरे यहां एग्जिस्ट ही मेरे को लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड क्या आप ये लेजर अकाउंट्स वगैरह सिंपल सिंपल लेजर अकाउंट्स बना पाएंगे अभी ना हम लोग सिर्फ एसेट से डील कर रहे थे तो मैंने एसेट पे ही कॉन्सेंट्रेट किया अभी मैंने इनकम एक्सपेंसेस इन बातों पर बात उस पर धीरे धीरे बात करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है तो अभी एक ही इफेक्ट पे चल रहे हैं जहां पर एसेट की बात कर रहे हैं धीरे धीरे आगे सीखेंगे तो उसके डुअल इफेक्ट को भी हम चेक करेंगे क्या ये लेजर अकाउंट बनाना अब आपके लिए सिंपल है सिंपल ये रूल याद रख ये वाला एसेट अगर बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे एसेट गिरेगा तो एसेट अकाउंट को बट उस एसेट पर इफेक्ट होना चाहिए अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिससे एसेट पर इफेक्ट ही नहीं है हम लोग उसको एसेट अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे क्या इतना समझाने के बाद एसेट क्या होता है ये पूरी तरीके से क्लियर है पक्का हंड्रेड परसेंट कर पाएंगे हम लोग काम अगर एसेट क्लियर है तो नेक्स्ट एलिमेंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्या होता है लाइबिलिटी उधार ऑब्लिगेशन चुकाना पड़ेगा फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा वही चुकाना पड़ेगा कोई भी तरीके से पैसा देके चुका कोई एसेट देके चुका अपने आप को दे कर चुका किडनी बेच कर चुका चुकाना पड़ेगा हाँ ठीक है तो वो लोग भी तेरे एसेट के बारे में ही सोच रहा है। चलो ठीक है बस चुप, आगे ड्रैग नहीं करने का जहां तक हो गया वहीं बंद कर देने का छोड़ दो क्योंकि आगे जाओगे तो फिर हम अपने रूप में आ जाएंगे हम हम ऐसे बहुत सिंपल सीधे आदमी है बट क्या होता ना वो दिख नहीं रहा उसको हेलो बोलते हैं हैलो वो अभी अभी तुमको एक्चुअली हम लोग मारवाड़ी के हेलो होता है टकला होता है दिस इज अवर हेलो अरे मारवाड़ी लोग ना तुम लोग थोड़ा वो मत हो ना हम खुद मारवाड़ी है तो अगर हम मारवाड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं मतलब हम अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा अकेले का नहीं उड़ा रहे हाँ मारवाड़ियों में एक आदमी है जिसका हम बहुत मजाक उड़ाते महेश्वरी नवनीत भैया अरे नवनीत भैया मेरे दोस्त का अब क्या करे बता ए, हम सुना ऐसा पता नहीं मेरे को ज्यादा दोस्त है नहीं एक ही है उसी से पता चला कंजूस बहुत होता है महेश्वरी ऐसा सुना है हम पता नहीं हमको <laughs> क्या दीदी आप भी नहीं तो ठीक है सच्ची है नवनीत को देख के भी यही लगा कंजूस नहीं है सेल्फिश वर्ड सही है कंजूस नहीं है कंजूस नहीं है सेल्फिश है हम लोग ये मानते हैं देखो देखो एक चीज समझाते हैं तुमको चाहे कुछ भी हो जाए अपना सत्य अपने आप से छुपा नहीं सकते मारवाड़ी से ज्यादा अपना सोचने वाला कोई नहीं है भाई हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे रन आउट सामने वाले को करवाना है बट बैटिंग अपने को चाहिए नेक्स्ट ओवर में झूठ नहीं बोलने का। कैसे खेलता है मतलब कुछ कुछ लोग होता है ऐसे खेलता है पूरा ओवर टुकाएगा लास्ट ओवर लास्ट बॉल में रन लेगा मेरा जैसा आदमी बोलता है हाँ दौड़ 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 फिर जाके क्रीज में खड़ा हो जाता है भाई मार्च को आउट कर सारा बस हम यही बोल रहे हैं हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे तो हम लोग मारवाड़ी लोग ना थोड़ा सा बस सेल्फ सेंटर्ड होते हैं हम लोग को ऐसा लगता है सब अपना बटोर लो बटोर किसके ऊपर किसके ऊपर अपने ऊपर हाँ अभी तुम तुमको कैसे बता आगे ओ आगे उड़ाएगा क्या चलो कोई बात नहीं बीवी इस टॉपिक पर भी कभी आएंगे अभी यूट्यूब पे चल रहा है सिले नहीं आ रहे हैं जिस दिन ऐप में चलेगा उस दिन आएंगे वो कट नहीं कर सकते फिर तुम लोग मेरे को अलग अलग दिन ब्लैकमेल करेगा बताइए नहीं तो वीडियो भेजे ठीक है देखो क्या कोइंसिडेंस है बात लाइबिलिटी का चल रहा है एग्जाम्पल में बीवी आया <laughs> अरे मतलब ऐसी कोइंसिडेंस <laughs> मजाक कर रहे मजाक मजाक कर रहे मजाक कर रहे हा? हाँ अरे मतलब को इंसिडेंस बोले हम ये थोड़ी बोले ये और वो मैच करता है चलो है चुप तेरा सब आवाज इस पर सुनाई देता है तुम जब बोलेगा हमको बंद करना पड़ेगा लाइबिलिटी पर बात कर रहे थे तो बच्चा बोला सर ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन जिसके लिए हमको फ्यूचर में पेमेंट्स करना पड़ेगा ये ऑब्लिगेशन आया क्यों कोई मनी बोरो किए होंगे खाली मनी बोरो से ही आएगा सर पास्ट में कुछ कांड किए होंगे और कांड करके उस समय चुकाए हिसाब नहीं किए होंगे लाइबिलिटी बोला गया लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या ऑब्लिगेशन yes, अब ऑब्लिगेशन के साथ एक वर्ड ऐड करो और अच्छे से समझो लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट and to settle the obligation and outflow of economical resources will be economic resources will be made in future yeah will have to be made in future to settle the obligation and outflow of economic resources will have to be made in अगर मेरे को ये obligation खत्म करना है तो मेरे पास कोई realistic alternative नहीं है मेरे को इसको चुकाकर या payment करके ही खत्म करना हाँ payment cash में हो जरूरी नहीं कुछ liability होती है जिनका payment cash में चुकाना है कुछ लाइबिलिटी होती है जिनके अगेंस्ट गुड्स देना है कुछ लाइबिलिटी होती है जिनके अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइड करना है कुछ लाइबिलिटी होती है जो फ्यूचर में जाके इक्विटी में कन्वर्ट वो बोला है कि अभी उधार ले लो पैसा पांच साल बाद मालिक बना लेना हमको भी पैसा वापस करने का जरूरत नहीं है अभी इंटरेस्ट देते रहो पांच साल और पांच साल बाद मेरे को मालिक बना लेना तुम्हारे साथ तो ये इक्विटी में कन्वर्ट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइबिलिटी का सेटलमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है बट कैसे भी हो मेरे को फ्यूचर में आउटफ्लो करना पड़ेगा तो लाइबिलिटी एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो आज के दिन एग्जिस्ट करता है क्यों एग्जिस्ट करता है क्योंकि पास्ट में हमने कोई ऐसा इवेंट कर रखा है कैसा इवेंट जहां पर हमने किसी से कुछ बेनिफिट लिया है बट उसका सेटलमेंट नहीं किया है तो क्योंकि बेनिफिट लिया हुआ है सेटलमेंट नहीं किया हुआ है अब सेटलमेंट करने के लिए मेरे को फ्यूचर में आउटफ्लो करना पड़ेगा मैंने हर से दस हजार रुपए का गुड्स खरीद रखा है जब गुड्स खरीदा था तब पेमेंट नहीं किया था क्या आज के दिन हर्ष को जो पैसा देना है दैट इज अबिलिटी यस मैंने हर्ष से दस हजार रुपया का लोन ले रखा है लोन ले रखा है अभी तक चुकाया नहीं है चुकाना बाकी है क्या ये लोन लेना इज अ लाइबिलिटी यस मैंने हर्ष से ना पचास हजार रुपया एडवांस ले रखा है उसको गुड्स देना है गुड्स वो मेरा कस्टमर है बोला भैया मेरे को ये गुड्स चाहिए मैं बोला पचास हजार एडवांस रख के जा सात दिन में आके गुड्स ले जाना एडवांस ले सकते हैं अब मैंने एडवांस ले रखा है फ्यूचर में गुड सप्लाई करने के लिए क्या आज के दिन ये मेरा लाइबिलिटी है है क्योंकि ये है मेरे को इसको फ्यूचर में गुड सप्लाई करना पड़ेगा हर्ष मेरे को सर्विस प्रोवाइड किया मैंने उसका पैसा नहीं दिया मान ले ये एसी रिपेयर करता है मान ले बोला हम सर्विस प्रोवाइड करता है बोले तो पीछे लड़का लोग हंसने लग गए हाँ, आपको समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है अरे लिटरली पीछे हंसने लगे वो लड़का और वो लड़का इतना लंबा है मेरे को दिख रहा है वो हंस रहा है कदर तक ठीक है गदर मत करना यहां पे तुम गदर करेगा तो हम लोग को हम हाँ, हम हाँ इस बार गदर देख नहीं पाए बट सुने वो उठाने वाला था बट उठाया नहीं हाँ बट वो एकदम वो, वो क्लाइमेक्स में था क्या बीच में था मतलब तुम लोग मूवी वूवी देख रहे पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दो अब। <laughs> मैंने हर से सर्विस ले रखा है ये आया एसी रिपेयर करके गया इसका पांच हजार रुपया पेमेंट करना था मैं बोला सात दिन में पेमेंट करूंगा क्या यस हर से सर्विस ले रखा है पैसा नहीं चुकाया क्या ये मेरे लिए ऑब्लिगेशन है और इस ऑब्लिगेशन को अगर सलटाना है तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा ये भी मेरी लाइबिलिटी है तो कोई भी ऑब्लिगेशन जो एट प्रेजेंट आपके ऊपर एग्जिस्ट करता है जहां पे आपके पास कोई रियलिस्टिक रियलिस्टिकनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू पे उस ऑब्लिगेशन को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं अब इसका एग्जाम्पल हूं तो क्रेडिटर जिनसे हमने उधार में माल खरीद रखा है लेंडर जिनसे हमने लोन ले रखा है बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट कर रखा है कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है कोई कोई जैसे तुमसे मैंने फीस ले रखी है क्या तुमसे मैंने फीस ले रखी है उसके अगेंस्ट कोई वादा है सर पढ़ाएंगे आप छः महीना आप अकाउंट्स पढ़ा के देंगे हम लोगों को सीए इंटर का क्या मैं क्या मैं इस पैसे को जो मैंने तुमसे पैसा लिया है मैं इसको एडवांस बोलूँ एडवांस yes, और इस एडवांस के अगेंस्ट मेरे को फ्यूचर में सर्विस देना है। जब तक सर्विस नहीं देंगे मेरा ऑब्लिगेशन खत्म तो ये एडवांस भी मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि मेरे को इसके अगेंस्ट फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं लाइबिलिटी के तो लाइबिलिटी वर्ड को अगर डिफाइन करें तो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड आया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स इसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी अब मैं तेरे को एक एग्जाम्पल देता हूं तुम बताना लाइबिलिटी है या नहीं हर्ष सप्लायर है गुड्स का गुड्स का जो हम लोग डील करते हैं रॉ मटेरियल्स <laughs> हर्ष सप्लायर है गुड्स का मैंने हर्ष को ऑर्डर दे रखा है लाख रुपए के गुड्स का ऑर्डर दे रखा है और उसको बोल रखा है कि तुम ये गुड्स सप्लाई कर देना मेरे को क्या मैंने अभी अभी थर्टी फर्स्ट मार्च तक ऑर्डर दिया हुआ है वो माल बना के रेडी नहीं किया मेरे को सप्लाई नहीं किया क्या मैं अभी बोल सकता हूं कि हर्ष को जो लाख रुपया देना है वो मेरी लाइबिलिटी है क्यों ओके okay, तो तुम लोग बोल रहे हो सर ये अभी लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि प्रेजेंट डेट पर ये एग्जिस्ट नहीं करता सर अभी ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है फ्यूचर मतलब जब वो माल सप्लाई करेगा तभी सर आपको पैसा देने का बात आएगा जब तक वो माल सप्लाई नहीं करेगा आपको कुछ देने का दरकार यानी तुम लोग बोलना चाहता है सर ऑब्लिगेशन अगर फ्यूचर का हो तो वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी बिल्कुल सही लाइबिलिटी किसी ऑब्लिगेशन को तभी बोलेंगे जब वो चिंता आज एग्जिस्ट करता हो जो चिंता अभी तक आया नहीं है आएगा उसको हम लोग लाइबिलिटी नहीं बोलते एग्जाम्पल मैंने एक बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है पचास लाख रुपए की लिमिट ले रखी है अभी तक मैंने उस ओवरड्राफ्ट का कोई पैसा यूज नहीं किया है क्या ये लिमिट लेना इज अ लाइबिलिटी नो सर इट इज नॉट अ लाइबिलिटी क्योंकि आपने ऐसा कोई कांडी नहीं किया जिसके कारण आज आपके ऊपर कोई चिंता बैठा हुआ है अगर सर आज देखेंगे कि उसको चुकाना है कुछ नहीं चुकाना है सर मैंने उससे उधार लिया ही नहीं बस बात कर रखी है भाई जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे बट अभी तक वैसा जरूरत आया नहीं है तो आज के दिन वो बैंक ओवरड्राफ्ट का लिमिट मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं है तो कोई भी चीज को लाइबिलिटी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका चीज है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जब हम लोग लाइबिलिटी का रिकॉग्निशन का बात करेंगे तो मैं पहले ही बोलूंगा इट देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इफ देयर इज नो ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग एट दी प्रेजेंट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ अटी मैंने बैंक से एक लोन लिया है पांच लाख का दस साल बाद चुकाना है दस साल बाद दस साल बाद पेमेंट करना है क्या वो लाइबिलिटी है, है? पेमेंट तो दस साल बाद करना है सर चिंता तो एग्जिस्ट करता है ना सर लोन लेते ही आपके ऊपर वो आ गया ऑब्लिगेशन की आपको फ्यूचर में चुकाना अब चुकाना साल भर दो साल बाद दस साल बाद उससे कोई मतलब ऑब्लिगेशन आज होना चाहिए चुकाना आज हो या ना हो वो जरूरी नहीं है मैंने इससे गुड्स खरीद लिया पेमेंट तीन महीने बाद करना है सर गुड्स खरीद लिया ना सर चिंता आ चुकी है अब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसको पैसा देना ही पड़ेगा अगर आप नहीं देंगे तो ये ऑब्लिगेशन आपके माथे से खत्म नहीं होगा लोन ले लिया चुकाना भलाई दस साल बाद आज से ही शुरू हो गई है क्योंकि मैंने सामने वाले से पैसा ले लिया है तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू पे ये सारी बातें समझ में आती है आपको मैं क्या बोला ये बताना मेरा ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, है या नहीं लाइबिलिटी है या नहीं मान लो मैं मोबाइल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी हूं सैमसंग एग्जाम्पल लेते हैं सैमसंग कस्टमर को मोबाइल फोन बेचती और मोबाइल फोन के साथ साथ मोबाइल फोन बेचने के साथ साथ एक प्रॉमिस करती है अगर एक साल में आपके मोबाइल फोन में कोई भी डिफेक्ट आया आप चिंता मत कीजिएगा आप हमारे पास आइएगा हम आपको फ्री में वो डिफेक्ट ठीक करके देंगे वारंटी बोलते हैं वारंटी मैंने कस्टमर को हर्ष आया हर्ष को मैंने एक उस, फोल्ड वो जो सैमसंग फोल्ड है वो बेचा आज बेचा मेरे को बताना ये वारंटी का ऑब्लिगेशन जो मैंने इसको वारंटी का वादा किया है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या फ्यूचर ऑब्लिगेशन है तब तो फिर लोन में भी राम जब 10 साल आएगा तब पेमेंट करेंगे सर जिस दिन माल बेचा उसी दिन वो चिंता आ गया कि आपको अगर वो कल भी आएगा तो आपको उसको करके देना पड़ेगा तो जिस दिन माल बेचा उसी दिन वारंटी का ऑब्लिगेशन सर पे चढ़ गया है अगर वारंटी का ऑब्लिगेशन सर पे आ चुका है तो मैं उसको लाइबिलिटी बोल के रिकोगनाइज करूंगा हाँ इन लाइबिलिटीज को हम लोग ना प्रोविजन बनाते क्या बनाते इस पर बात करेंगे अलग से प्रोविजन लाइबिलिटी के साथ आएगा बट ये लाइबिलिटी है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसको मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए पहले बताइए ये सब बात समझ में आता है? एक ये एग्जाम्पल तो बताओ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि नहीं मैं एक एयर एयर एयरप्लेन मतलब वो जो पैसेंजर होती है, उसको ऑपरेट करने वाली कंपनी इंडिगो ठीक डीजीसीए जो एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट अथॉरिटी है जो ये एयरपोर्ट का सारा काम देखती है उसका एक रूल है कि हर पांच साल में हर पांच साल में जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स है उनको अपना एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करा के मेजर ओवरहॉल कराना पड़ेगा ये जरूरी है पैसेंजर सेफ्टी के लिए अभी रिसेंट में स्पाइस जेट में तुम लोग देखा होगा बहुत सारा नाम खराब हुआ स्पाइस जेट का प्लेन उड़ रहा है अचानक से विंग बंद हो गया फैन बंद हो गया तो बोला खिड़की टूट गया फिर प्लेन चल रहा है अचानक से रास्ते में पता चला कि भाई कुछ है ही नहीं प्लेन के अंदर जो होना चाहिए था अलग टाइप का मतलब उस समय होता है ना बस अब तो जाने वाले हैं बस जिंदगी हनुमान चालीसा जो पढ़ना है सब पढ़ लो एक बार में ये जेट के साथ हुआ था इन इन डेज में अगर आपने सुना होगा मान लो मैं इंडिगो हूं हमने तीन साल पहले ऐसा एक ओवरहॉल और इंस्पेक्शन करवा रखा है और डीजीसीए का गाइडलाइन है कि मेरे को हर पांच साल में ये करवाना पड़ेगा नहीं करवाएंगे तो एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकते हम क्या तीन साल अभी खत्म हुआ है क्या मैं बोलूं मेरे ऊपर आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मेरे को ये करवाना पड़ेगा नहीं, नहीं।, 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 नहीं। क्योंकि सर अभी भी दो साल बाकी आप दो साल मजे से चला सकते हैं दो साल खत्म होगा तब आपके ऊपर आएगा हो सकता है सर दो साल के बीच में इंडिगो अपना बिजनेस बेच के ही चला जाए तो अगर बिजनेस बेच के ही चला गया तो क्या उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आएगा जिसके अगेंस्ट पेमेंट करना है नहीं तो सर अभी वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है फ्यूचर ऑब्लिगेशन है क्योंकि पांच साल बाद आपके ऊपर करवाने का ऑब्लिगेशन आएगा तो अगर पांच साल बाद आएगा और अभी तीन साल बीता है तो अभी हमको कोई लाइबिलिटी लिखने का जरूरत नहीं हाँ जैसे ही पांच साल कंप्लीट हो गया फ्रॉम दी लास्ट इंस्पेक्शन हमको ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो मैं आगे ऑपरेट नहीं कर सकता मतलब मेरा गोइंग कंसर्न ही खत्म हो जाएगा अगर हम ये ओवरऑल नहीं कराएंगे तो हमको ये लाइबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि हमको ये करवाना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले कोई भी चीज को लाइबिलिटी बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को सिंपली डिफाइन किया ऐसा ऑब्लिगेशन जिसमें एंटिटी के पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू पे मतलब आपने सब कर्मकांड कर दिया है अब अगर आपको ऑब्लिगेशन खत्म करना है आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपको पेमेंट ही करना पड़ेगा क्या लाइबिलिटी किसको बोलते हैं वो बात क्लियर है नेक्स्ट क्लास लिखेंगे जाओ आज के लिए सिर्फ इतना ही वारंटी का ओनरशिप से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे वो हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म में चले गए थे कि ही लास्ट में बट कंट्रोल तो मेरे पास आज ही आ गया ना एसेट का और हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं जब कंट्रोल आ जाता है ना कि तब जब ओनरशिप अरे बाबा थैंक यू क्या है के देखे 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 तुम हाथ से बनाया है। के देखे देखे। अरे अरे तो खा के जा तो हम लोग को खिला खिला के बिल्कुल होगा इंडियन आएगा